टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक और आप देख रहे हैं टीवी वन मुहर्रम स्पेशल ट्रांसमिशन, मुहर्रम और रवादारी। जनाब, मुहर्रम के वो दो दिन आ चुके हैं कि जब ख़ास तौर पे हमें आका पाक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की, उनकी आल औलाद की जो है वो कुर्बानियों को याद करना है, वाकिया करबला को याद करना है, उन तमाम जिसे कहते हैं कुर्बानियों को याद करना है कि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। मेरे मौला हुसैन ने अपने तमाम कुंबे समेत नाना के दीन को बचाने के लिए कितनी ही कुर्बानियाँ दीं, किस रवादारी, किस सब्र और किस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इससे ता क़यामत हम सब मोमिनीन को, मैं कहती हूँ सिर्फ मोमिनों को नहीं, अगर आप इंसान हैं तो हुसैन आपका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, वो किसी फ़िक के नहीं हैं, वो किसी मसलक के नहीं हैं, वो हम तमाम मुसलमानों के हैं, वो हम तमाम इंसानों के हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन हस्तियाँ, मेरी प्यारी आपा सरवत अस्करी साहिबा, सलमान आलम साहब जो कि मौला हुसैन के लिए शहदाए करबला के लिए उनके लिए नजराना अकीदत पेश करेंगे, और हमारे सबसे ख़ास मेहमान आज के डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर एक इस्लामिक लफ्ज़ यूज़ करूं तो इनके लिए अल्लामा या मौलाना जवाद हैदर हाशमी साहब इनको कहूंगी। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। आज 9 मुहर्रम का दिन है। मैं हमेशा से ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि वाकई करबला को हमें कम से कम वैसे तो ज़िंदगी के हर दिन में ही याद रखना चाहिए, अपनी औलादों को बताना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली नस्लों में सब्र तहम्मुल हो और बेहतरी आए, मगर ख़ास तौर पे इन दिनों में किस तरीके से इमाम की शहादत को, इमाम के सब्र को, बल्कि तमाम कुंबे के सब्र को याद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अलहराम का महीना जब भी आता है तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। यकीनन तारीख़ इस्लाम के अंदर ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी मिसाल इससे न पहले मिलती है और न इसके बाद मिलती है, कि इस्लाम उस मंजिल पर पहुंचा था कि जब यजीद जैसे फासिक व फाजिर शख्स ने उसकी बुनियादों को काटने की कोशिश की तो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ के नुमाइंदे बनकर आगे निकलते हैं और इस्लाम के तहफ़ की खातिर न सिर्फ अपनी जान कुर्बान फरमाते हैं बल्कि अपने बच्चों की जान कुर्बान फरमाते हैं, अपने आवान व अंसार की जान कुर्बान फरमाते हैं। ज़ाहिर बहसियत मुसलमान जितनी मोहब्बत हमें दीन इस्लाम से है, जितनी मोहब्बत हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से है, तो उसका तकाजा यही है कि हम मुहर्रम अलहराम को याद करें। जब भी मुहर्रम अलहराम का महीना आए इमाम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करें, क्योंकि इमाम ने दीन की खातिर कुर्बानी दी, वो दीन कि जिसको पहुंचाने की खातिर अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम भेजे, 1,24,000 अंबिया कराम ने जहमतें बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को इंसानों तक पहुंचाने की खातिर। नमरूद जैसे सितमगर का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाबला फरमा रहे हैं तौहीद के अलमबरदार बन के, और आपको आग के अंदर फेंका जाता है, आपका जुर्म क्या है, चूँकि आप तौहीद का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और नमरूद इसी को रोकना चाहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बचाकर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की तरफ दावत देते हैं, लेकिन फिरौन उनका पीछा करता है, फिरौन उनके ऊपर मजालिम ढाता है उसी तौहीद के पैगाम को रोकने की खातिर। इसी तरह तमाम अंबिया कराम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जहमतें बर्दाश्त फरमाए दीन मुबीन इस्लाम की खातिर, आपने लोगों के मजालिम को सहा, मक्का मुकर्रमा जो आपका वतन था आपने अपने वतन को छोड़ा, वतन छोड़ने पर आप मजबूर हो गए, ये सब क्यों है, ये सारी कुर्बानियाँ दीन इस्लाम के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने के लिए। अब वो दीन जब ख़तरे में पहुँचा सिर्फ 50 बरस के बाद, वाकई करबला होता है तो 50 साल के बाद यजीद जैसा फासिक आदमी जो है वो मसनद खिलाफत के ऊपर बैठता है और अपने आप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन कहलवाता है, तो अब जाहिर है उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
हक़ के तहफ़ की खातिर मैदान करबला में तशरीफ़ लाते हैं। तो आपने दीन की खातिर क़ुरबानी दी, इस्लाम की खातिर क़ुरबानी दी, उन अम्बिया कराम की मोहब्बतों का तकाजा भी ये है, दीन इस्लाम की मोहब्बत का तकाजा ये है, रसूल खुदा की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नवासे रसूल की इस क़ुरबानी को याद करें और जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आए तो ख़ास तौर पर और बाकी साल के बाकी अय्याम के अंदर उमूमी तौर पर वाक़ई करबला का तज़किरा करते रहें। बिल्कुल जनाब डॉक्टर अस्करी साहिबा, आपसे पूछूँगी और पहले मैं ये अर्ज़ करती चलूँ कि दीन ले के मेरे सरकार आलम दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मगर दीन बचाया मेरे मौला हुसैन ने। सरवत आपा ये बताइएगा, हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जंग है करबला, करबला की जंग, जबकि मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मेरे मौला तो जंग करने गए ही नहीं थे, ये तो वाकया है करबला है। तो इसका वाकया का आगाज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ज़रा मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़ुबान से फरमा दीजिएगा। सबसे पहले आपका वो जुमला बहुत ज़्यादा काबिल क़द्र है कि जिसमें आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फ़रमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बच्चा अपने बुज़ुर्गों से हुआ करता है, नाना से, दादा से, परदादा से, मगर अना मिनल हुसैन ये बात समझ में नहीं आती। ये जब सन 61 हिजरी आया, वाकई करबला को हमने देखा, तब बात समझ में आई कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया कि वह अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसलिए कि दीन को बचाने वाले, इस्लाम को बचाने वाले, कुरान को बचाने वाले, शरीयत को बचाने वाले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की ज़ाती गिरामी थी। क्योंकि आज आपके प्रोग्राम का मौजू है मुहर्रम और रवादारी, तो इस इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं। यकीनन आज ये गमे हुसैन वो है कि जिसके ज़रिए से मैं और आप, हम सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते हैं। कल सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी कि हिंदुस्तान के किसी शहर से वो जुलूस गुजर रहा था मुहर्रमुल हराम का, याम अज़ा का, और उसमें हमारे हिंदू बरादरान जो थे वो फूल फेंक रहे थे उन शुरकाए जुलूस के ऊपर। तो ये दिलों को गरमा देने वाली एक ऐसी वीडियो थी कि जिसने मेरे जहन और दिल पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब किए, कि इसलिए कि आज आप अगर हिंदूज को देखिए, आप अगर सिख को देखिए, आप ईसाई को देखिए, आप बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं, मगर इसके बावजूद वो उस आफाकी पैगाम को जानते हैं और समझते हैं जो कि करबला का पैगाम है और इमाम अली मकाम का पैगाम है। इमाम हुसैन ने करबला में जो सारे अफराद 72 शहदा की हम बात किया करते हैं, उसमें तमाम के तमाम अफराद अहले तशय्यो नहीं थे, उसमें अहले तसन्नुन भी अफराद थे, यहाँ तक कि वहाबी कलबी जो कि क्रिश्चियन थे, बेशक अगर शायद हमारे जैसे कोई अफराद होते तो वो कहते कि नहीं कोई क्रिश्चियन कैसे दाखिल होगा, लेकिन इमाम अली मकाम का पैगाम अबदी है, इमाम अली मकाम का पैगाम सरमदी है, ये वो अजीम अबदी पैगाम है कि जिसको सीने में दिल होना चाहिए और ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। अगर कोई भी साहिब ज़मीर उस मसले को, वहाँ भी कलबी की मास ने, मैंने वो वाकया पढ़ा कि जिसमें वहाबे कलबी की माँ ने अपने बेटे से कहा, शादी करके वापस आ रहा है, एक अंदाज़ होता है दुल्हन हमरा है, शादी करके बारात लेकर वापस आ रहे हैं, वहाँ भी कलबी की माँ ने देखा कि दो लश्कर आमने सामने खड़े हुए हैं। उसने पूछा कि ये दो लश्कर कौन से आमने सामने, क्या वजह है इसमें? मालूम ये हुआ कि इधर नवासे रसूल है और उधर लाखों का लश्कर है। अच्छा, नवासे रसूल हुसैन इब्न अली दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं है, कलमा गो नहीं है, मगर इसके बावजूद क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है और दिल में एहसास मौजूद है, लिहाजा जैसे ही उन सारे वाक़यात को सुना, एक मरतबा वहाबी कलबी की माँ ने अपने बेटे से कहा कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान को निसार कर दो। ये इतना बड़ा अबदी पैगाम है मुहर्रम और रवादारी के हवाले से, जो हम मक्तले करबला की बात करते हैं कि इमाम अली मकाम ने ना सिर्फ ये कि हुर को पानी पिलाया, हुर के लश्कर को पानी पिलाया, बल्कि जानवरों तक को भी सैराब किया। बेशक इससे बढ़कर कौन सी मिसाल और रवादारी की हो सकती है? बेशक आपा, बेशक जनाबे हुर के आपने बात की, जिक्र किया जनाबे हुर के बारे में, मजीद हम जानेंगे अपने उलमाए कराम से। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त ये करती हूँ, मेरी अर्ज़ है आपसे कि अपने घर के बच्चों को जमा करें, बिठाएँ, सबको एक साथ बिठाएँ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज उस वाक्य की
जो कि साल में दो दिन आते हैं, जिसको हम दोहराएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तो हमारे माशरे में सब्र तहम्मुल और रवादारी जो है वो पैदा होगी। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ चुके हैं हम मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी वन पे आप देख रहे हैं। जनाब, बात हो रही है वाकये करबला के हवाले से। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अपने घर के बच्चों को ख़ास तौर पे जमा करें और इन्हें बताएं मौला हुसैन के बारे में, शहदाए करबला के बारे में। जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त नजराने अकीदत पेश हो रही है, लोग अपनी आवाज़ों में मौला के लिए पढ़ रहे हैं, शहदा के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हम सब के प्यारे सलमान आलम साहब, और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मौला के लिए कुछ पढ़ दीजिए। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये नाम ही ऐसे हैं कि जिनका जब जिक्र होता है तो इंसान कहीं और ही खो जाता है और उसकी रूह जो है वो वाकई परवाज़ कर जाती है और फिर दोबारा दुनिया में आना और बात शुरू करना, आगाज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बात हो रही थी जनाब हुर के हवाले से। आप आज भी ज़िंदगी में जब हम तौबा करने के लिए सोचते हैं, अमूमन हमारी उम्रों में जब हम बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी को तब्दील करना है या तौबा करनी है, तो उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि कभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी थोड़ा और इन्जॉय कर लो, या इस तरह की एक अमूमन एक आम फहम ज़ुबान में बातें होती हैं। और फिर कभी दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं खुदा माफ़ भी करेगा या नहीं। ये मौका बहुत ही बुज़ुर्ग हस्तियों को मिलता है कि जो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में बुराई करते करते बिल्कुल आखिरी लम्हात में आके अल्लाह से तौबा कर लें और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ये हम सीखते हैं जनाब हुर के वाक़े से। आप जितने बुरे हों, मैं कहती हूँ जब आप कहते हैं कि अब हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब अल्लाह ताला क्या माफ़ करेगा, अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा हमें, हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझते हैं। जनाब हुर से जब हम सीखते हैं कि वो लश्कर यजीदी में आए थे और वो मौला के सामने खड़े थे, तो उससे बड़ा बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, उन्होंने तौबा की। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि इंसान को ज़िंदगी में कब तौबा करनी चाहिए, तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मरने से एक साल कबल तौबा कर ले तो परवरदिगार उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया एक साल बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से एक छः महीने पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया छः महीने भी बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई अपने मरने से एक महीना पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि एक महीना भी बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई अगर एक हफ्ता पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है, कोई अगर एक दिन पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है, कोई अगर एक घंटा पहले मरने से पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम में से किसी को अपने मरने का वक्त मालूम है? जब नहीं मालूम है तो हमें अपनी ज़िंदगी वैसी गुजारनी चाहिए कि हर लम्हा हमारा तौबा में गुजरे, अस्तगफार में गुजरे, कि ना मालूम कौन सी सांस आखिरी सांस हो। जब अस्तगफार की बात होती है, तौबा की बात होती है, तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर हमें नज़र आते हैं, इसलिए कि इमाम अली मकाम को मक्तले करबला में लाने वाले हज़रत हुर हैं। मगर देखिए, फैसले की घड़ी हम सबकी ज़िंदगी में आती है और बार बार आती है, फैसले में देर की तो फासला हो जाएगा, हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला हो जाएगा। ये जो फैसले की घड़ी है ना, हुर के लिए कोई कमी नहीं थी, लश्कर यजीद में वो कमांडर इन चीफ थे, वहाँ मराआत और इतनी बड़ी वहाँ पर जिंदगी थी, वहाँ पर 7 मुहर्रम से इमाम के खैमों में अलअतश की सदाएँ बुलंद थीं, लेकिन हुर जब आए हैं तो वो सेरो सैराब थे क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं बनता। लेकिन एक घड़ी ऐसी थी कि जब हुर ने ये फैसला किया कि इमाम अली मकाम ने हमारे जानवरों तक को सैराब किया था, आज उनके बच्चे प्यासे हैं, हुर ने वहीं से यू टर्न लिया और हुर पलटे, हुर का भाई पलटा, हुर का बेटा पलटा, हुर का ग़ुलाम पलटा। अच्छा, अब जब ये अफराद आए इमाम अली मकाम की खिदमत में, आपका सवाल अपने मकाम पर है कि तौबा किस तरह करनी चाहिए, तौबा का अंदाज़ क्या होना चाहिए, इस्तग़फ़ार का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात दिन गुनाह करते रहते हैं और उसके बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि वो सारा सब किया कराया डिलीट हो गया होगा। नहीं जनाब, सबसे पहले इस्तग़फ़ार की शर्त यह है कि आपने जिसको अगर नुकसान पहुंचाया है तो आप उसकी तलाफ़ी कीजिए। हज़रत हुर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल मुझसे बड़ा ख़ताकार कौन होगा, इसलिए कि इस दश्ते करबला में लेकर आने वाला मैं हूँ, सबसे पहले आपके ऊपर जान को कुर्बान मैं करूँगा। हज़रत हुर जब आए मक्तले करबला में, सब को के अज़हान फ़िक्र में मौजूद है कि इधर भूख और प्यास थी, हुर उस लश्कर से आ रहे जहाँ पर सब सैरो सैराब थे, मगर इसके बावजूद इमाम अली मकाम ने हुर के साथ वही सलूक किया जो कि तमाम अपने साथियों के साथ सलूक किया, यानी इमाम अली मकाम हुर के सरहाने भी पहुँचे, अपनी माँ का रुमाल भी बांधा पेशानी जनाब हुर पर,
और उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुर तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखरत में भी आज़ाद हो। जब हुर ने पूछा ना कि क्या खुदा ने, क्या आपने मेरी इस खता को माफ़ फरमाया है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमें मक्तले करबला में नज़र आती है कि अफ़ वो दरगुजर की वो फातहीने वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर अपने जानी दुश्मनों को माफ़ फरमाया था, तो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आखिर क्यों ना अफ़ वो दरगुजर की अजीम मिसाल कायम करते। बेशक बेशक बेशक, ज़िक्र करबला हो रहा है, शहदाए करबला हो रहा है। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सब घर वालों ने इकट्ठे होकर बैठना है कि क्योंकि ये वो दिन है कि जब हमने ज़िक्र इमाम हुसैन करना भी है, कराना भी है, सीखना भी है और सिखाना भी है। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं फातिमा हूँ, ये मेरा हुसैन है। जनाब वापस आ गए हैं हम मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन TV1 पे। आप देख रहे हैं, मैं हूँ दुआ मलिक और बात कर रहे हैं मुहर्रम और रवादारी के हवाले से। जब बात आती है वाक़े करबला की, सानेह करबला की, शहदाए करबला की, तो सबसे पहले जो है मेरे दिल में ख्याल आता है मेरे मौला अब्बास अलमदार का। मैं ख़ुद भी करबला, अल्लाह ताला मुझे लेके गए हैं, मुझे बुलावा हुआ है। तो एक ही मैदान में जब सीधी जानिब देखो तो मौला हुसैन हैं और उल्टी जानिब देखो तो मौला अब्बास हैं। ये दो रोज़े आमने सामने हैं और इनको दोनों को देख के जब हम सीधे हाथ पे देखते हैं तो हमें खुद ही खुद मौला हुसैन के रोज़े को देख के रोना आता है, ज़ारो कतार रोना आता है, कुछ सोचे सोचे बगैर रोना आता है। वहाँ से मज़लूमियत झलकती है आज भी। और जब हम मौला अब्बास की जानिब देखते हैं तो वहाँ पे एक अलग मंज़र होता है, वहाँ एक बहादुरी आपको महसूस होती है उनके रोज़े से, उनके रोज़े की रोशनी से। और ये भी महसूस होता है कि मोहब्बत और वफ़ादारी इतनी शदीद थी कि ता क़यामत इन्होंने अपने मौला हुसैन के पास जो है वो रूए ज़मीन पर अपनी जगह अल्लाह ताला से ली और आमने सामने रहे। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। मौला अब्बास के बारे में जानेंगे मज़ीद डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब से। डॉक्टर साहब, मौला अब्बास को अलमदार क्यों कहा जाता है? जी, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। वाकई करबला में जो 72 अफराद शहीद हुए उनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बुलंद मरतबा शख्सियत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है। हज़रत अब्बास अलमदार को अलमदार इसलिए कहा गया क्योंकि उस दिन उस सिपाह का लश्कर का सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार को मुंतखब फरमाया। आपने आधे दिन की अलमदारी की, लेकिन अलमदारी इस शान से आपने की कि आपके नाम का लकब बन गया अलमदार। आपका इस्म गरामी अब्बास है, अलमदार आपका नाम नहीं है। और बहुत सारी जंगों के अंदर बहुत सारे लोगों ने अलमदारी की है लेकिन किसी के नाम का जुज नहीं बना अलमदार। लेकिन हज़रत अब्बास अलमदार ने 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को ऐसी अलमदारी आपने की कि आपके इस्म का जुज जो है वो अलमदार बन गया। आज अगर आप सिर्फ हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी लिए बगैर सिर्फ अलमदार भी अगर आप कहेंगे तो आपका जहन अब्बास अलमदार की जानिब चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अलमदारी इस शान की थी। देखिए यहाँ पर ये आपका लकब मैंने जो अर्ज़ किया ना कि बन गया है, लकब और नाम में एक फ़र्क होता है। नाम वो है कि जो वालदेन रखते हैं, ठीक है, जिन लोगों के जो नाम है वालदेन, लेकिन लकब वालदेन की तरफ से नहीं होता, लकब मुआशरे की तरफ से मिलता है, लकब लोगों की तरफ से मिलता है। यानी आपके अंदर कोई ऐसी अच्छी अच्छाई है, एक ऐसी खूबी है और वो खूबी खुलकर इस हद तक नुमाया हो जाती है लोग आपको उस खूबी के नाम से पुकारना शुरू कर दें, तो वो लकब है। डॉक्टर साहब एक और बात, मौला सॉरी कथा कलामी के लिए माफी चाहती हूँ, एक मौला का नाम ऐसा है कि एकदम से अंदर से वो खून आपका जोश मारने लगता है। मैं सबको एक दफ़ा और बताती चलूँ क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने घर के बच्चों को, सारे अफराद को साथ बिठाएं, हम रिवाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, मेरे भी इल्म में इजाफा कीजिएगा,
कि मौला हुसैन जो थे वो इमाम हसन और हुसैन जो थे वो जनाब फातिमा तो जहरा के साहबजादे थे दोनों, इमाम अली के और जनाब फातिमा तो जहरा के। जब जनाब फातिमा तो जहरा इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया तो जनाब उम्मुल बनीन से मौला अली अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ और जनाब उम्मुल बनीन के जो साहबजादे थे वो मौला अब्बास थे। तो वालदा दोनों की डिफरेंट थी, मगर मौला अब्बास को जनाब उम्मुल बनीन ने इमाम हुसैन का एहतराम और अदब किस तरह सिखाया था ये बताइएगा। देखिए हज़रत उम्मुल बनीन का मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद है। हज़रत उम्मुल बनीन का इस्म गिरामी भी फ़ातिमा ही है, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम, फ़ातिमा किलाबिया आपको कहा जाता है। चूँकि आपके चार बच्चे हैं तो इस वजह से आपको जो है उम्मुल बनीन यानी इन बेटों की माँ कहा गया। और वो चारों बच्चे जो है मैदान करबला के अंदर शहीद हुए, उनमें से सबसे बड़ा बेटा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। जनाब फ़ातिमा किलाबिया की जो वफ़ा है हकीकत में वही वफ़ा जो है वरासत में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को मिली, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शुजात जनाब अब्बास अलमदार को मिली और वफ़ा जनाब फ़ातिमा किलाबिया हज़रत अब्बास अलमदार को मिली। रिवायत के अंदर है कि जिस तरह आपने अभी हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ निकाह का तज़किरा किया, जैसे निकाह के बाद हज़रत फ़ातिमा किलाबिया इस दौलत सरा में तशरीफ़ लाई हैं तो बाज़ रिवायात के अंदर ये मिलता है कि आप चौखट के ऊपर बैठ गईं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आपने फ़रमाया कि अम्मा आप अंदर तशरीफ़ लाइए। तो जनाब फ़ातिमा किलाबिया ने फरमाया कि मैं कनीज बनकर आई हूँ, माँ बनकर नहीं। तुम्हारी माँ जनाब फ़ातिमा सैयदत निसाइल आलमीन है। तो ये वफ़ा और ये मकाम और मारिफत के उस मंजिल पर जनाब फ़ातिमा किलाबिया थी जिसकी वजह से ज़ाहिर है आपकी तरबियत भी उसी तरह हुई हज़रत अब्बास अलमदार की। और हज़रत फ़ातिमा उम्मुल बनीन के वफ़ा के हवाले से एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि चार बेटे शहीद हुए, हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए, बाकी तीन और भी बेटे आपके शहीद हो गए मैदान करबला में। आप मदीने में थी जब वाकई करबला हुआ, मदीने में थी। तो मदीने में जब ये खबर पहुँची है यानी हज़रत अब्बास अलमदार की माँ तक जब ये खबर पहुँची कि आपके चार बेटे शहीद हुए, तो रिवायत में है कि हज़रत फ़ातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन ज़मीन के ऊपर उंगली से कब्र के निशान बनाती थी और फरमाती थी ये मेरे अब्बास अलमदार की कब्र है, ये दूसरे बेटे की कब्र है, ये तीसरे बेटे की कब्र है, ये चौथे बेटे की कब्र है, लेकिन मैं इनमें से किसी को गिरिया नहीं करूँगी। मैं अगर रोऊंगी तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरिया करूँगी। यानी आपका मकाम और मर्तबा ये था। अब ज़ाहिर है इस अंदाज में जब जनाब अब्बास अलमदार की तरबियत हुई है तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत अब्बास अलमदार मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ न दें। यहाँ पर एक बात और क्या और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ, शब आशूर शिमर इब्ने ज़िलजोशन ने आके हज़रत अब्बास अलमदार को अमाननामा पेश करने की कोशिश की, उसने ऑफ़र की बाकायदा। चूँकि उस ज़माने में आप जानते हैं कि कबीले बड़े बड़े कबीले होते थे, कबीले ही तासुब बाज़ लोगों के अंदर होता था, तो जनाब फ़ातिमा उम्मुल बनीन के कबीले का शिमर के कबीले के साथ कोई कहीं दूर का एक रिश्ता मिलता था तो उसने उसी कबीले ही तासुब की बुनियाद पर आकर ये ऑफ़र किया कि मैं अमीर से तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए अमाननामा लिखवा कर देता हूँ, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ कर आएँ। तो हज़रत अब्बास अलमदार ने उस मौके पर फरमाया मेरे लिए अमाननामा, मेरे भाइयों के लिए अमाननामा, लेकिन फ़र्जंद रसूल के लिए अमान नहीं है, मैं ऐसे अमाननामे को जो है वो रद्द कर देता हूँ। आपने अपनी जान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर क़ुरबान करने की आपने ऐलान फरमाया लेकिन अमाननामे को आपने मुस्तरद कर दिया। अब उस वक्त देखें हज़रत अब्बास अलमदार के सामने मौत यकीनी है, ठीक है, अगले दिन हर हाल में शहीद होना है, इसलिए कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 30,000 और यहाँ पर सिर्फ 72 आदमी मौजूद हैं। तो आप अगर चाहते तो उस वक्त अपनी जान बचाकर मौके से जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये बावफा अब्बास हैं, आप अपने इमाम को कैसे छोड़ सकते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो आपकी मोहब्बत थी, जो आपकी उल्फत थी, वो सिर्फ बरादरी की वजह से नहीं थी, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना इमाम समझते थे और इमाम की इताअत छोड़कर दुश्मन की सफ़ में जाना जनाब अब्बास अलमदार को गवारा नहीं था। आपने अलमदारी की और ऐसी अलमदारी की जब तक आपके बाजू सलामत रहे आपने अलम गिरने नहीं दिया। आपका एक बाजू जब कत हुआ तो आपने दूसरे बाजू से आपने अलम को थामा, लेकिन रिवायत के अंदर है कि जब दूसरा बाजू भी जब कत हो गया, दुश्मन ने जब उसको भी शहीद कर दिया, उसके बाद हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो है वो मायूस हो गए कि मैं पानी जो है वो खेमों तक नहीं पहुँच पाऊँगा।
ये तशरीफ लाए तो उस आलम का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते कि अपने आप को संभालने के लिए उनके पास उनके अपने ही हाथ नहीं थे। जब मौला अब्बास का जिक्र हो रहा है, बस एक हमारे पास थोड़ी ही देर है ब्रेक पे जाने की, एक वाक़या है जो कि मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि शहादत से पहले मौला अब्बास ने मौला हुसैन से क्या फरमाइश की थी। जी हाँ, ये भी इंतहाई अहम। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वफ़ा और अपने इमाम के साथ इश्क उससे ज़ाहिर हो जाता है। रिवायात के अंदर मिलता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मों से चूर होकर बाजू शहीद हो चुके हैं, आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शहीद के सिराने पहुँचते थे, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के पास पहुँचे तो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के, बहरहाल मसाहिब के अल्फाज भी हैं, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की एक आँख के अंदर तीर भी लग चुका था जिसकी वजह से आपकी एक आँख ज़ाया हो चुकी थी और उसका खून दूसरे आँख में आके जम चुका था, तो आपकी आँखें भी बंद थीं। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत अब्बास अलमदार के अपने भाई के सर को ला के अपने जानों के ऊपर आपने रखा तो जनाब अब्बास अलमदार ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि मौला मैंने सुना कि मैं जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले मैंने आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की थी और अब इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर लूँ। और फिर फरमाया, देखें यहाँ से आगे हज़रत अब्बास अलमदार फरमाते हैं कि मौला अगर मेरे बाजू सलामत होते तो मैं अपने हाथों से अपनी आँखों का खून साफ कर लेता और आपकी ज़ियारत कर लेता, लेकिन इस वक्त मेरे बाजू सलामत नहीं हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरी आँख से खून साफ़ फरमाइए ताकि मैं आपकी आखिरी बार ज़ियारत कर सकूँ। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी आँख का खून साफ़ फरमाया तो अब्बास अलमदार ने आखिरी मरतबा अपने भाई को देखा और उसके बाद आप दाई अजल को लब्बैक कर चले गए। तो ये हज़रत अब्बास की अपने भाई के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम वक्त के साथ जो है मोहब्बत और इश्क का आलम था। वो कौन इंसान है जिसको वाकई करबला पे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे, मौला अब्बास के मसाइब पे, शहदाए करबला की प्यास पे रोना नहीं आता? अगर हमें रोना नहीं आता तो हम इंसान नहीं हैं, माजरत, हम इंसान नहीं हैं अगर हमें रोना नहीं आता। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं मुहर्रम अल हराम स्पेशल ट्रांसमिशन T1 पे। कहीं मत। मैं फातिमा हूँ ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हैं हम मुहर्रम अल हराम स्पेशल ट्रांसमिशन T1 पे, मुहर्रम और रवादारी। मैं हूँ दुआ मलिक और पिछली कुछ देर से जिक्र करबला हो रहा है इधर, जिक्र शहदाए करबला हो रहा है इधर। मेरे साथ हैं डॉक्टर जवाद साहब और जनाबे सरवत अस्करी आपा, डॉक्टर सरवत अस्करी आपा भी हमारे साथ हैं, सलमान आलम हमारे साथ हैं। कोशिश कर रही हूँ कि जो आज की ट्रांसमिशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने ही होने चाहिए, हमें रिवाइज हर साल होने ही चाहिए, सारी शख्सियात का भी अलग अलग इंडिविजुअली जिक्र करने की कोशिश कर रही हूँ जितना वक्त मेरे पास मैसर है। फिर से आपसे अर्ज़ करूँगी कि तमाम फैमिली को अपने साथ बिठा लें ताकि हम सब मिल के वाकई करबला को एक बार फिर याद करें और इससे सीखें। जनाब, जितनी पर्सनैलिटीज़ की बात अभी हो रही है उसमें दो सबसे हसीन शहजादे, शहजादे अली अकबर के बारे में पहले हम जिक्र करेंगे, जिनकी जिनका चेहरा मुबारक देख के, जिनको देख के जो सहाबी रसूल थे जो कि करबला के वाक़े में भी मौजूद थे, वो फरमाते थे कि ये बिल्कुल अपने परनाना, परनाना से इनकी शबी है और बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मैं बड़े शौक से इनका जिक्र सुनती हूँ। सरवत अस्करी आपा, फरमाइएगा जनाबे अली अकबर के बारे में। हम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के मुतालिक क्या अर्ज़ करें, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, जैसा कि ये सलमान से बात हो रही थी, कि मौला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों के नाम अली रखा और ख़ानदान अहले बैत में उस अजीम रस्म की बुनियाद पड़ी कि जब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हर बेटे का नाम अली, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर खुदा मुझे हज़ार बेटे अता करता तो मैं हज़ार के नाम अली रखता। अली अकबर, अली असगर, अली औसत समझाने के वास्ते है कि ये बड़े थे, ये छोटे थे, ये, तो इस तरीके से नाम सबका अली है।
हज़रत अली अकबर रिवायत ये कहती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम नाना के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे, बेकरार रहते थे और नाना को याद किया करते थे और दुआ करते थे कि परवरदिगार आलम मुझे अपने हबीब की ज़ियारत अता फरमाए। और जब हज़रत उम्मे लैला की गोद में वो बच्चा आया कि जिसके लिए रिवायत ये कहती है कि किसी ने जाकर इमाम अली मकाम को भी ख़बर की कि वो फर्जंद पैदा हुआ है जो कि हम शक्ल पैगंबर है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे ये बच्चा घर में आया और तमाम अहले मदीना आए मुबारकबाद देने के लिए। और दुनिया का दस्तूर और तरीक़ा यही है कि कोई बड़े घर जाता है तो वो खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर से सबको कुछ ना कुछ दिया गया और वो लेकर रुख्सत हुए। और जनाब ज़ैनब कुबरा जब घर में तशरीफ़ लाई तो फरमाया कि मैं हैदर करार की बेटी हूँ, मैं जाफर तैयार की बहू हूँ, मुझे कुछ भी दुनियावी चीज़ नहीं चाहिए, भैया मुझे वो अता फरमाइए कि जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। और मौला इमाम अली मकाम ने हज़रत अली अकबर को उठाया, बहन की आगोश में डाल दिया। रिवायत ये कहती है कि उस दिन से लेकर मक्तले करबला में, क्योंकि दो माएँ थीं, एक फूफी जनाब ज़ैनब कुबरा थी और एक हज़रत उम्मे लैला थी, हज़रत अली अकबर की ज़बान पर कोई सवाल आया करता था और ये दोनों ख़वातीन में से कोई ना कोई आगे बढ़कर पूरा कर दिया करती थी। मक्तले करबला में पहली मरतबा जब हज़रत अली अकबर लौट कर वापस आए हैं तो कहा कि बाबा जान अगर एक घूट पानी मिल जाए, और इमाम अली मकाम उस सवाल को पूरा ना कर सके। यूँ तो कोई भी नौजवान अपने ख़ानदान के वास्ते आँखों का तारा हुआ करता है, नूरे नज़र हुआ करता है, लेकिन हज़रत अली अकबर की बनू हाशिम में भी एक जुदा गाना हैसियत थी, एक जुदा गाना मकाम था। इसलिए कि आपका हुस्न जमाल ख़ानदान बनू हाशिम में दो ही पर पाबंदी थी कि वो चेहरे पर नकाब डाले बगैर ना निकले, एक हज़रत अब्बास अलमदार और एक हज़रत अली अकबर। इस कदर हुस्न जमाल था कि जब आप मदीने के बाज़ारों में निकलते थे तो लोग अपनी दुकानों को जल्दी जल्दी बंद कर दिया करते थे, अपने घर में जाकर बड़े फख्र से कहा करते थे कि आज हमने अली अकबर की ज़ियारत की है। तो हज़रत अली अकबर वो अजीम शख्सियत कि अकबर शबाब हुस्न पैगंबर का नाम है, अकबर जलाल जज्बे हैदर का नाम है, अकबर उरूज महर मुनवर का नाम है, अकबर हुसैनियत के मुकद्दर का नाम है। फुर्सत मिले तो पूछ बशर के सुकून से, इस्लाम सुरखरू हुआ अकबर के खून से। हज़रत अली अकबर की वो अजीम शख्सियत हमें मक्तले करबला में नज़र आती है कि हमारे यहाँ रुख्सत इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है लेकिन रुख्सत हज़रत अली अकबर भी कुछ कम नहीं थी। यानी रिवायत के ये जुमले हैं कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था और बार बार पर्दा गिर जाता था, इसलिए कि बीबियाँ हज़रत अली अकबर के दामन से लिपट जाती थी, जनाब सकीना हज़रत अली अकबर की इबा के दामन से लिपट जाती थी। और हज़रत अली अकबर जब मक्तल की जानिब रवाना हुए हैं तो घोड़े पर सवार थे, महसूस हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, और जब हज़रत अली अकबर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप कवर को थामे चला रहा है। हज़रत अली अकबर ने पूछा कि बाबा जान खुद ही तो रुख्सत किया था, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अली अकबर काश तुम्हारी शादी हुई होती, तुम साहिब औलाद होते, तुमको मालूम होता कि जवान बेटे का जाना क्या हुआ करता है। तो ये एक ऐसा मंजर हमें वाकई करबला में नज़र आता है कि जिसमें हमें हज़रत अली अकबर का एक अजीम किरदार और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे, इसलिए इमाम अली मकाम ने जिस वक्त मक्तल की जानिब भेजा था तो कहा था कि परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं अपने उस फर्जंद को भेज रहा हूँ जो तेरे हबीब के मुशाबे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही चेहरा मुबारक होगा कि जिसको सोच के ही, जिसका तसव्वुर करके ही सुभान अल्लाह आपके कल्ब से निकलता है। डॉक्टर साहब, जनाब अली अकबर का जिक्र हुआ है, जनाब अली असगर के हवाले से भी ज़रा सबको बताइएगा। जी हाँ, करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जो बेटा है जिसकी क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हुई वो हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 महीने हैं, यानी इंसान जब इस वाक़े को जब पढ़ता है तो एक तो इस वाक़े करबला के अंदर हर मज़लूम की शहादत जो है वो यकीनन इंसान को मुतासर कर लेता है, लेकिन इन तमाम शहदा में हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम वो शहीद हैं
कि जिनके वाक़े को पढ़ने के बाद, जिनके वाक़े को देखने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई गैर मुस्लिम भी अगर है तो उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। एक 6 महीने का बच्चा जो मैदान करबला के अंदर है, जिस तरह बाकी सारे लोग जो हैं वो 3 दिनों से भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, 7 मुहर्रम अल हराम से लेकर 10 मुहर्रम अल हराम तक हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम भी जो है वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि करबला के अंदर जब खाने को कुछ नहीं मिला, पानी जब नहीं मिला तो शीर मादर भी ख़त्म हो चुका था, तो लिहाजा माँ का दूध खुश्क हो चुका था, दूध नहीं मिल रहा था और पानी नहीं मिल रहा था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इस फर्जंद को लेकर मैदान करबला के अंदर आए हैं, तो हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से वाकई करबला को एक लिहाज से उरूज मिला, मेराज मिला, कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो मज़लूमियत है वो तारीख के अंदर सब्द हो गई। कि लोग अगर ये समझते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह, बाज़ लोग के बाद में तारीख़ के अंदर ऐसे कहने वाले निकले ना कि जो ये कहते हैं कि यजीद के साथ उनका ऐसा झगड़ा था, तो भाई झगड़ा अगर था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के छोटे से मासूम बच्चे के साथ उनका क्या झगड़ा था। इमाम ने आखिरी मरतबा जब आपके सारे आवान अंसार शहीद हो चुके थे, बाकी सारे बच्चे शहीद हो चुके थे, तो हल मिन नासिर की आवाज़ आपने बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरुना मैदान करबला के अंदर, हल मिन मुगीसे युगी सुना, कोई है मेरी नुसरत करने वाला जो इस मौके पर मेरी मदद करे, कोई है मेरे इस्तगासे के ऊपर लब्बैक कहने वाला जो मेरी दावत के ऊपर लब्बैक कहकर नुसरत के लिए सामने आए। तो रिवायात में है कि खेमगाह से जो है बाकायदा सैदानियों के गिरिए की आवाज़ें आईं, आप जब तशरीफ़ ले गए तो मालूम ये हुआ कि हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम जो है वो बेचैन हैं, आप जो हैं बाकायदा बेचैनी की वजह से गिरिया फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके जाते हैं मैदान करबला में, और आप उनसे पानी का जब सवाल करते हैं तो दुश्मन की जानिब से होना ये चाहिए था कि वो कम अज़ कम इस बच्चे को पानी पिला देते, इमाम अलैहिस्सलाम को अगर नबी पिलाएं। बाज़ रिवायात में हमें ये मिलता भी है कि इमाम ने फरमाया कि ए लश्कर यजीद के लोगों, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं इस बच्चे के बहाने ख़ुद पानी पी लूँगा तो बच्चे को तुम अपने हाथों में ले लो, उस पानी पिला लो। लेकिन उस वक्त वहाँ जो इमाम के मुकाबले में थे वो ऐसे लोग नहीं थे कि जिनके सीनों में दिल था, वो ऐसे जालिम थे, ऐसे सितमगर थे और ऐसे जिनायतकार थे कि जिन्हें बच्चों के ऊपर बेरहम नहीं आता था। उसका जो सिपह सालार था हमारे साथ, उसने हुरमला को हुक्म दिया कि इख्ता कलाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम को क़त कर दें, और फिर उसने जो नेज़ा मारा, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम अपने बाबा के दस्त मुबारक में आपके आगोश में जाम शहादत नोश फरमाते हैं, और बाकी और भी असहाब शहीद हुए, लेकिन हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गए। बेशक बेशक, जब जिक्र करबला होता है तो एक एक शहदा की कहानी जो है, एक एक शहदा के जो मसाइब हैं उनका जिक्र करने को दिल चाहता है, याद करने को दिल चाहता है आका की मोहब्बत में। क्योंकि देखिए कुछ बातें जो मैं आप सब भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे होंगे, मैं ज़ाती तौर पे आप लोगों से करने वाली हूँ, इसका किसी मसलक या किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं है, फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं है। क्या कहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो हैं वो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करें कि हमें सबके नाम याद हों, इनकी आल के नाम याद हों। ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया है मुझे पता है, मगर मैं एक मुख्तसर बात अर्ज़ करूँगी कि मैं ख़ुद एक माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। आप मुझसे जितनी मोहब्बत कर लें, मुझे सोने के ढेर ला के दे दें, मगर अगर आप मेरे बच्चों के साथ ठीक नहीं, अगर आप मेरे बच्चों की चोट पर आपके दिल को दुख नहीं पहुँचता तो मुझे आपके वो सोने के ढेर नहीं चाहिए, वो मेरे लिए खाक है। अल्लाह भी बिल्कुल उसी माँ की तरह आपसे तब राज़ी होगा जब आप उसके महबूब और उसकी आल से मोहब्बत करेंगे। हम तो इंसान हैं ना, माँ कहती है मुझे तेरी मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरी औलाद से मोहब्बत कर तो मुझे तू प्यारा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला को आप तब प्यारे होंगे जब मोहम्मद और आले मोहम्मद से आप प्यार करेंगे, और जब आप प्यार करेंगे तो उनसे मंसूब हर मुसीबत, हर मोहब्बत आपको याद होगी, आपके सीने में उतर चुकी होगी, और जब सीने में उतर जाएगी ना तो गमे हुसैन पे रोना भी आएगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ गए हैं हम T1 स्पेशल ट्रांसमिशन में, मैं हूँ दुआ मलिक, आप सब कैसे हैं, ठीक हैं?
आज जो है वो हमारे साथ सेट पे और भी मज़ीद लोग मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने तमाम वाक़े करबला को ज़िक्र किया, ज़रा याद दहानी कराई अपने आप को कि हमारे किरदारों में वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं कि जिसकी हमें आज के माशरे में बहुत ज़रूरत है और ता क़यामत ये ज़रूरत हमारे साथ रहेगी। दीन इस्लाम का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो ख़वातीन को एक हुक्म है कि वो अपने अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार रहें, अच्छी लगें, खूबसूरत लगें, इस नीयत से कि उनके शोहरों को जब वो उनको देखें, अपनी बीवियों को देखें, तो एक तस्कीन मिले, एक सुकून मिले, खुशी मिले। हमारी ख्वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा किचन में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखती हैं, मगर कहीं ना कहीं ये अपने आप को भूल जाती हैं। मैं ख़ुद भी एक लड़की हूँ, ख़ुद भी एक माँ हूँ, कभी कभी मैं भी अपने आप को भूल जाती हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद, किचन में खड़े होने के बाद, मेरी स्किन जो है वो आज मेकअप जो मैं हो रहा था, ज़रा ज़ाहिर है ऑन स्क्रीन आना है तो कुछ बेहतर कर आना है, कदरे बेहतर कर आना है अगर आपने देखना है हम लोगों को। तो मेकअप हम लोग का हो रहा था तो मेकअप आर्टिस्ट से मेरी यही गुफ्तगू हो रही थी कि आपकी आंखों के नीचे कुछ लाइन्स आ गई हैं। तो मैंने कहा कि अब ज़ाहिर है जब हम 25 क्रॉस करते हैं तो हमारी स्किन वैसे ही सैगी होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे धूप गर्द व गुबार इतना है कि हमारी स्किन वैसे ही जो है ना वो एक ढलने की तरफ चली जाती है। तो जब स्किन ढलने लग जाए तो घरों में ऐसी कौन सी चीज़ें मैसर हैं कि जिनसे हम अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? घर में आसानी से अवेलेबल चीज़ें, महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है जिसमें ख़र्चा भी हमारा कम हो, कम खर्च बाला नशीन, और औरत वही कामयाब है जो घर में एक मखसूस बजट को लेके अपने तमाम काम कर सके ताकि मियाँ पे प्रेशर भी ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके भी। अभी मेरे पास मौजूद हैं हर्बलिस्ट हुमैरा, जो कि हमारे चेहरों को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए घर पे जो सामान अवेलेबल है उससे हमें सिखाएंगी कि हम कैसे फेशियल कर सकते हैं। चलिए जी डॉक्टर हुमैरा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमैरा जी बताइए आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम अपना चेहरा खूबसूरत बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा वैसे वही चीज़ें बताती हूँ जो घर में अवेलेबल हों, आपके पास इजी एक्सेस हो आपका। तो हम चंद चीज़ें हैं जिससे हम टोटली जो घर में हम इतने बाहर जाके फेशियल पे एक्सपेंस खर्च करते हैं अपना इतना सारा, तो घर में बैठ के, क्योंकि ये स्किन जो मैंने ली है ये आपको दिख रही होगी कि कहीं से ऑयली भी है, कहीं से ड्राई भी है, तो इसको हमने नॉर्मल वे में लेकर आना है और फेशियल के चंद स्टेप्स सिखाएंगे एंड देन मास्क की एप्लीकेशन होगी और फिर आप देखिएगा कि यही जो फेस होगा वो ग्लो करना शुरू कर। डन हो गया। क्या मटेरियल क्या हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास सिंपली दूध मौजूद है जिससे हम क्लिनजिंग करेंगे, कोई भी फेस वॉश आप जो घर में यूज़ करते हैं वो मौजूद है, फिर क्रीम आपके पास कोई घर में मौजूद है तो उसके अंदर हम बादाम का तेल के एक दो कतरे करके फिर उससे मसाज करेंगे सिंपली, और मुल्तानी मट्टी मौजूद है जो मास्क के तौर पर यूज होगी रोज वाटर। तो ये हमारा क्लिनजर भी हो गया, मसाजर भी हो गया और मास्क भी हो गया, यही तीनों चीजें हमें सैलून में भी चाहिए होती है ना? यही चीजें चाहिए होती है। तो हम यूँ करते हैं कि जैसे जैसे आप चीजों की बिस्मिल्लाह करेंगी जी मैं आपसे पूछती जाऊंगी कि ये क्या काम करती है आपके चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपली दूध से शुरू करेंगे? नहीं, मैं पहले फेस वॉश से वॉश कर देती हूँ फिर उसके बाद हम क्लिनजर से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा फेस वॉश लेके और उसके बाद अच्छा ये फेस वॉश है, ये फेस वॉश है सिंपली मैंने फेस वॉश करना। अच्छा मुझे बताइए कि हम लोग, मैं खुद भी बड़ा पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, गूगल डॉक्टर हूँ मैं आजकल जिस चीज को हम पढ़ना चाहते हैं हमें गूगल पे आसानी अवेलेबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सुना है कि शैम्पू और फेस वॉश जब हम लगाते हैं जी तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर लेना ऐसे ही करना चाहिए, सिंपली ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई कर देते, एक तो शैम्पू में देखें आजकल जो सल्फेट है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होते हैं, तो सल्फेट को थोड़ा डैमेज नहीं करना, तबाह करने लगे हैं बाल, तबाह करने, तो वो जो हमारे जो ब्रिटल एंड्स हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से ही होता है। तो ये जो आपने डाइल्यूट करके यूज करने की कहा है तो उससे आपका बाल बिल्कुल खराब नहीं होगा। ठीक है। और शैम्पू को हमेशा यही, और कोशिश करें कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें। अच्छा? थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो ज्यादा चलते भी हैं। अच्छा बिल्कुल सही। ये हमारा फेस वॉश से फेस क्लीन हो गया। बिल्कुल। अब मैं अच्छा वैसे दिन में कितनी दफा फेस वॉश यूज करना चाहिए? दो दफा, इससे ज्यादा दो दफा, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए इससे ज़्यादा इसलिए नहीं है कि जो हमारे स्किन के नीचे सीबम है उसको हमने ख़त्म थोड़ी करना है फेस वॉश लगा जी। बिल्कुल
आप फिर मेरा तो सीबम जो है वो नेस तो नाबूद हो चुका होगा अभी तक, मैं तो 6 दफा मुंह धोती हूं। अच्छा देखिए, मैंने ना टिश्यू पेपर को डिप किया है दूध के अंदर सिंपली, और ये मैंने लगा लिया है पूरे फेस पे। उसके बाद हम ये क्लिंजिंग कर रहे हैं। ये दूध लगाया है? जी ये दूध लगाया है। इसमें एलमंड आपने ऑयल डाला है ना? वो क्रीम में मिक्स होगा। अभी जो है मैं सिंपल दूध से क्लिंजिंग कर रही हूँ। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा मैंने आजकल ये देखा है कि बड़े बड़े सैलून में जो है वो अब हर्बल फेशियल्स आने लग गए हैं। बिल्कुल हर्बल। मैं कुछ पिछले दिनों ही गई थी, बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है सैलून का, वहाँ पे मैं गई हूँ तो उन्होंने बकायदा वो, मैं जब फेशियल हो रहा था तो बादाम के ना जर्रे आ रहे थे, वो घिस रहे थे स्क्रब से, तो मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं बादाम है। मैंने कहा अल्लाह, मतलब कहाँ हम लोग। अच्छा देखिए, ये नेचुरल चीजें हैं, आपको नुकसान नहीं देंगी। इवन आप कहीं किसी भी एज में चले जाएं, आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा मैं एक बात मुझे याद आई कि हमारी अम्मियों की जो है वो स्किन इतनी प्यारी रहती थी। यस आज भी मैं और उमैमा जिक्र करते हैं, हम कहते हैं हम हीरोइनें अपनी तरफ से बन गई हैं, मगर जो हमारी अम्मी की स्किन और खूबसूरती होती थी ना, वो एक लिपस्टिक लगाती थी, वो भी सस्ती वाली, उसी से काम हो जाता था। बस अम्मी इतनी हसीन लगती थी, मैं कहती हूं ब्लश ऑन भी हो जाता था, क्योंकि अम्मी से आई शेड भी हो जाता था, उससे हो जाता था। मैं कहती थी अम्मी आप कैसे इतनी हसीन आज तक लगती हैं, मतलब आपको रिंकल्स नहीं हुए, इतनी उम्र हो गई है, स्किन नहीं खराब हुई? तो कहती हैं कि बेटा सारी जिंदगी खाना बनाते हुए कभी टमाटर लगा लिए, कभी वो लगा लिया, खीरा लगा लिया, जो काट रही होती थी ना अम्मी वो मल भी रही होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो हमें बड़ी घिन आती थी, मगर अब भाई अब पता चला है कि वही चीज सही थी। अब क्या लगा रहे हैं? अच्छा ये मैंने सिंपल क्रीम लिए, कोई भी आपके पास लोशन क्रीम एवरीथिंग फ्रेश क्रीम ले लें भले इसके बजाय। अच्छा। अगर आप लेना चाहें तो आपने ये ली है, और इसमें मैंने चंद ड्रॉप एलमंड ऑयल के यूज किए हैं। इसको मैंने मिक्स किया, जी बिल्कुल इसको मैंने मिक्स किया है, एंड देन इसको मैं अप्लाई करूंगी। ये वो तरीका है जो, देखें ये प्रोफेशनल नहीं है कि आप सलोन में जाते हैं, ये वो घरेलू खवातीन के लिए है जो घर में बैठ के जो वाकई खूबसूरत होती हैं, वो खूबसूरत बिल्कुल खूबसूरत। जितने पार्लरों से आप लोग अपने चेहरे घिसवाएंगे उतने दाने आप लोगों को निकलेंगे। ये आप मेरी बात लिख के रख लें। देखें हमें पता नहीं, बेसिकली हमें अपनी स्किन को खुद जज करना चाहिए। हम पार्लर में जाके उनसे बोलते हैं, वो तो जाहिर है आपको पैसे बनाने के लिए हर बंदा कहेगा छोटा सा यहाँ से दाना निकला हुआ है, आप ये लगा लें आप वो, तो हमें खुद पता होना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो हम एक टिश्यू पेपर साइड पे रखें, सुबह उठ के आपने वो टिश्यू पेपर फेस पे रखना है, जहाँ से ऑयल एक्सक्रीट हो रहा होगा आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन टी जोन है, फुल ऑयली है, ड्राई है, खुद महसूस हो जाएगा। मेरी बहुत शदीद टी जोन है। टी जोन है। अब तो ओटमील का भी मास बन रहा है ना। ओटमील को उर्दू में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है वो जौ, जौ का मास बन रहा है। जो बेहतरीन है स्किन के लिए, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बेहतरीन है, आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन है। तो जौ का तो मैं कहती हूँ कि हर चीज हर लिहाज से जौ अच्छा है। जौ अगर आप खाएंगे तो भी बहुत अच्छा, आपके पेट के लिए बहुत मुफीद है। सही सही। आपकी यूरिन ठंडा भी होता है ना। यूरिन का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए अच्छा है। मुझे याद है कि मुझे जो प्यूबर्टी एज सभी बच्चियों पे आती है, जब बड़ी हो रही होती है तो दाने ज्यादा निकल रहे होते हैं, उस वक्त मैं जौ का पानी बहुत पीती थी। यस वो आराम से आपको स्पा शॉप्स में मिल जाता है जौ का पानी, और आप वो पिए और ठंडा होता है, आपके दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक क्लींजिंग हमारी मेरा ख्याल है हो गई है। क्लींजिंग हो गई, उसको रिमूव करने के बाद मैं मसाज कर रही हूँ। बेसिकली मसाज जो है यहाँ से नेक से स्टार्ट होता है। अच्छा मुझे बताएं ऑयली स्किन वाले भी क्रीम लगा सकते हैं? हाँ ऑयली स्किन वाले भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल का जो वो होगा फिर वो हम यूज नहीं करेंगे ऑयल को, क्योंकि क्रीम में तो ऑयल होगा ना। क्रीम में है तो हम अलग से ऑयल यूज नहीं करेंगे। अच्छा अलग से नहीं करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल सिंपल आप फिर फ्रेश क्रीम यूज करेंगे। उसके लिए बेहतरीन होता है घर में आपके पास बेसन मौजूद होता है। जिन लोगों की सीवियर ऑयली स्किन है तो वो बेसन का मास्क डेली यूज करें। रियली? और बेसन से आप मुंह धोएं, आप देखिए आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, किसी किस्म की क्रीम की जरूरत नहीं होगी, कोई नाइट क्रीम नहीं, कोई डे क्रीम नहीं आपको लगाने की। वाकई वाकई, अल्लाह करे कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी आ जाए कि सोने से पहले भी लगाएं। और मैं देखती हूँ लड़कियों को, देखिए ये हमें नाइट रूटीन होता है, डे रूटीन होता है, मिड डे रूटीन होता है, स्किन रूटीन टाइम। मैं कहती हूँ बॉस एक बच्चा होने दो, फिर तो पता चलेगा कि मेरा तीन बच्चों के बाद क्या हाल है। अच्छा जो करने वाली है ना वो किसी भी लिहाज से करती है, करती आपने है देखो। हाँ, ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया। ये अलकसी का भी प्रॉब्लम है, इसका इलाज बताइए। इसका इलाज एक्टिव कोई दवाई निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये मैं मुल्तानी मिट्टी ली है, इसके सिंपल मैंने जो है रोज वाटर एड किया है,
अच्छा ओए होए ये बेस्ट है, ठीक है ना, और ये बेहतरीन है। अगर आप इसमें चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, अगर अच्छा। आपको एक्नी हो रही है या ऑयली स्किन है, आपके पोर्स एनलार्ज हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं हल्दी को। अच्छा मेरा शो ना हो रहा था तो मैं भी लगा अच्छा ये जितनी चीज़ें मैं लगा रही हूँ ये अपवर्ड मूवमेंट में लगानी है, कोई नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि हमने मसाज किया है, हमारे जो पोर्स हैं वो सारे इस वक्त जो हैं वो इनलार्ज हो चुके होंगे, तो उसको बंद करने का या मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि हम ऊपर की तरफ लगाएं। हाँ ऊपर की तरफ लगाएं। अच्छा ये जो मैं बता रही हूँ, मैंने ब्रश वगैरह इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि टोटली ये घरेलू खवातीन के लिए बता रही हूँ, जिन लोगों के पास कोई चीज़ें तो अवेलेबल नहीं, में ही अगले 10 मिनट लग जाएंगे जब तक बच्चा जाग जाए, वो अप्लाई करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप तमाम घरेलू मसाइल उनके हल मेरे पास सब अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी घर आके मुझसे मिलता है कहते हैं हम समझते थे दुआ मले आप तो इतनी घरेलू है, मैंने कहा हम सब अपने अपने घरों में, आप यकीन मानिए कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी अपने घरों में, जाहिर है आपको सब आपको कुछ पता है, कोविड का जो दौर गुजरा है उसमें हर बंदी ने सलून जाना जाहिर है बंद थे, तो आपने घरों में ही सारी चीज़ें की हैं, और मेरे ख्याल से उस दौरान सबकी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई थी, अच्छा खाया पिया था ना घर में बैठ के, रिश्ते भी बड़े अच्छे हो गए क्योंकि वो मियाँ हजूर जो थे वो ऑफिस चले जाते थे और बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो कोरोना में जो शुरू के 2 महीने थे तो वो तो एक दूसरे की शक्लें देख के ही हम लोगों ने बोला अच्छा तुम ऐसे नहीं ऐसे लगते हो, मुझे तो तुम समझने का टाइम मिल गया ना, एक दूसरे को समझने का टाइम मिला कोरोना में, वाकई अल्लाह ने जरा जिंदगी को दुनिया को थाम दिया, बिल्कुल रोक और, दिया। और ये वो चीजें होती हैं जो अल्लाह ने दिखाई हैं और इसमें भी हमने सरवाइव कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि हम उस दौर को भी सरवाइव कर गए और हमने वो चीज देखनी थी कि किस तरह इंसान जिंदगी के पल गुजारता है। वाकई 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 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है मास्क हमारा लग चुका है, बिल्कुल ये तकरीबन इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। अच्छा मास्क कितना ही पतला लगता है जितना आपने लगाया? बिल्कुल इतना ही लगता है या ज्यादा? ज्यादा नहीं, जितना वो जरूरी नहीं है, ये आपके पोर्स में जितना पेनेट्रेट होगा उतना ही काफी है, ज्यादा लगाने से ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फौरन आपकी स्किन जो है और ज्यादा अच्छी होगी, सिर्फ आपके पोर्स के अंदर इसको पेनेट्रेट होना है। ठीक है, और जब हम मास्क उतारेंगे तो फिर रोज वाटर का स्प्रे करना होगा। सही सही, सिंपल दैट, ये आपका फेशियल, यहाँ तो मैंने जल्दी जल्दी बताया है लेकिन इस फेशियल को कम से कम आधा पौन घंटा लगता है, क्योंकि जो भी स्टेप्स मैंने किए हैं वो एटलीस्ट 5 मिनट्स का कोई है, कोई जो मसाज का है वो एटलीस्ट आपका 10 मिनट्स का होगा, बाकी आपके 2-2 मिनट के मसाज हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट हुमैरा जी। जैसे कि हुमैरा ने हमें ये फेशियल करना सिखाया है, हर स्टेप को आपने कम से कम 8 मिनट करना होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा, और ये सारी बातें याद रखा करें क्योंकि ये सारे लोग अपना वक्त निकाल के आपके साथ कीमती इन्फॉर्मेशन जो है, जो इल्म इनके पास अल्लाह ताला ने इनको दिया है वो आपसे शेयर करने के लिए आते हैं। और तमाम लड़कियों से मैं ये कहूँगी कि तुम्हें अल्लाह ने बहुत हसीन बनाया है, अपना ख्याल रखो, अपने लिए भी वक्त निकालो ताकि तुम और खूबसूरत दिख सको। मुझे खुद भी ये बातें सीखनी चाहिए जाती हूँ छोटी सी ब्रेक पे, वापस आऊँगी इंशाल्लाह और आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे साथ रहेगा। मैं फातिमा हूँ ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हम T1 स्पेशल ट्रांसमिशन में, मैं हूँ दुआ मलिक और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था अपनी हर्बलिस्ट के साथ, हर्बलिस्ट हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी, चेहरे को बेहतर बनाने के लिए घर में जो अज्जा मौजूद होते हैं उनसे कैसे हम फेशियल कर सकते हैं। जनाब अब अपने घर में मौजूद जिनसे हमारे पास रहमतें और बरकतें आती हैं हमारे ऊपर, हमारे रोज़गार में, हमारे मामलात में, हमारे घर के बुज़ुर्ग, हमारे घर के बुज़ुर्गों के लिए ये एक नुस्खा है जो कि हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो अपनी अम्मियों के लिए, अपनी सास अम्मियों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए हमने ये गौर से देखना है और ये बनाना है, और हमने कोशिश करनी है कि हम इसको डेली खिला सकें ताकि जोड़ों का जो दर्द होता है, जो कि हड्डियों की तकलीफ़ होती है, वो बेहतर हो सके और ज़रा इन लोगों में एनर्जी हो सके ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़ों के साथ खेलें कूदें और
इंजॉय करें। जनाब शाह साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, दुआ कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब जोड़ों के दर्द के लिए क्या बना रहे हैं आप? देखिए जोड़ों के दर्द के लिए जो आजकल एज नहीं होती है, किसी भी एज में किसी को भी जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, जिसे अथराइटिस का आ जाता है, जिसमें जोड़ों घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो सांस फूलता और अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं, अगर बैठ गए तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, और जिसमें सूजन हो जाती है एक एक जोड़ के अंदर, तो उसमें यह है कि उसे रोमेटाइज अथराइटिस कहा जाता है, और एक अथराइटिस होती है, और जिन लोगों को आपने देखा होगा अक्सर लोग गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते, अपने काम में शुरू हो जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसमें L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिसे शॉटिका पेन या अर्कुल निसा का दर्द भी कहा जाता है। ये शॉटिका के लिए भी मैं एक ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और एक ऐसा होता है जो सर्वाइकल का पेन होता है, जिसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, अगर उसमें S1 का मोरा अगर दब जाए तो हाथ भी सुन हो रहे होते हैं, छोटिका पेन में पाँव भी सुन होते हैं अक्सर लोगों के, लेकिन कमर से लेके पाँव के पंजों तक दर्द आता है, और अथराइटिस में ये है कि घुटनों में जो रेशा कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, जिसमें कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, तो ये इन सबको ठीक करेगी। आप कुछ दिन इसे इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम 2-4-5 दिनों में इसके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। अच्छा। लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज़ करना है, 2-3 महीने, 2-3 महीने के बाद आप पार्क में वॉक करते हुए नजर आएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। शाह साहब एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि वो खवातीन जो कि मदर फीड कराती रही अपने बच्चों को, उनको अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो दूध रोज़ाना ही पीना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी हड्डियों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, मगर क्योंकि हम लड़कियां अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, माएँ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो अब जब आपके हड्डियों में दर्द बैठ चुका है, जो बच्चों की माएँ हैं वो भी इस नुस्खे को गौर से देखें और इसी तरीके से अमल करें, शुरू करते हैं। जी दुआ, बिल्कुल इसे वो ख़वातीन भी जो मदर फीड पे हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको जो मशवरा देगी आप उस पर अमल करेंगे, कोई टोटका घर का यूज़ नहीं करेंगे आप, और आम तौर पे जब आप प्रेगनेंसी से फ्री होगी आप इस्तेमाल करें। आम बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं और शादीशुदा हैं जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी चीज़ इनसे दूर हो जाएगी शिकायत इनकी। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बना कर दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ है ये सफ़ेद मूसली, ये सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली आराम से पंसार की दुकान पे मिल जाती है सफ़ेद मूसली। इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिनका विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सफ़ेद मूसली को पीस के एक कप दही में मिला के एक चम्मच रोज़ाना दोपहर को खाने के बाद लें, 45 दिन बाद अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 26 से 30 के दरमियान मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊं कि विटामिन डी का जिक्र क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि विटामिन सी जब तक हमारी बॉडी कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बना सकती जब तक विटामिन डी ना हो, तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अब हम लोग देखते हैं इतना शऊर आ चुका है कि हर 15 दिन बाद डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक हम लोग इंजेक्शंस या तो पी लेते हैं या तो खा लेते हैं, अगर वो नहीं तो सनलाइट में भी लाजमी बैठे। जी जी दुआ, ये सफ़ेद मूसली का पाउडर है, इसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम, 50 ग्राम सही है, ठीक है। और ये गोंद कीकर है, कीकर का दरख्त होता है ना, पंजीरी, गोंद कीकर, पंजीरी इसे बबूल का गोंद भी कहा जाता है, पंजीरी में डलता है, पंजीरी में भी डलता है, सही सही, यहाँ गोंद की कर। और इसमें विटामिन के की मिकदार पाई जाती है, सही, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सिंगाड़ा, ये बहुत मिल जाती है, हर दुकान पे मिल जाती है, सूखा हुआ मिल जाता है ये, और ये ताजा ब्लैक कलर का होता है, इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम। ये लास्ट चीज है सुरनजान शीरी, इसकी शक्ल भी सिंघाड़े जैसी होती है, सही है, ठीक है। ये हम डालेंगे 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम, एक चीज 20 ग्राम है, बाकी तीन चीजें 50-50 ग्राम है, मिक्स कर लें, सफूफ बन गया आपका, और इसे एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं, सही है। इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, चाय नाश्ते से पहले, चाय नाश्ते के बाद ले लें, खाने के बाद ले लें, और एक कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला कुछ दिन यूज करेंगे आप, आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। ये जब आपके हड्डियों में से कड़कड़ आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें सही होंगी, शॉटी का पेन बेहतर होगा, कमर दर्द सही होगा, सर्वाइकल का पेन ठीक होगा, आप वॉक करेंगे आप थकेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह ताला ये 3 महीना यूज़ करके आप छोड़ दीजिए।
डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अच्छा पता है क्या शाह साहब, एक बात मेरे जहन में अभी आई कि अल्लाह ताला ने कुछ हकीमों के या कुछ डॉक्टरों के हाथ में शफा रखी होती है, ऐसा ही है? देखें अगर अपनी जिंदगी में नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपको आपका मॉलेज उसका दिल साफ है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसकी मेन वजह ये है कि अगर लालच ना हो उसके दिल में, तो ये चीज हमें लालच मार देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हो तो इंशाल्लाह देखें, क्योंकि मॉलेज डॉक्टर हो या हकीम हो, उसका रिश्ता जो मरीज के साथ होता है वो माँ बाप से भी गहरा होता है। तो क्यों ना आप कोशिश करें माँ बाप बन के देखें, आप पैसों की लालच ना करें, तो मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, घरों में माए बहने जितनी भी होती है वो तेल से मसाज करती हैं, दर्द के लिए तेल लगाती हैं, ऑयल लगाती हैं। आप अपना पेन किलर अपने घर पे खुद बनाएं। कैसे? तो वो इस तरह बनाएंगे, आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल। सही है, ये साइनस में भी यूज होता है? साइनस में नहीं, ये साइनस में यूज नहीं होता। जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है ना, जैसे मौसम से, धूल से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज से एलर्जी हो, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू होता है, दम घुटना शुरू होता है, गला खराब हो जाता है, बुखार बुखार सा फील होता है, कई किस्म की एंटी एलर्जीज लेनी पड़ती हैं, तब जाके आपको आराम आता है। हमारी एंटी एलर्जीज में एक पत्ते आते हैं बनफिया के पत्ते, सही है, और एक भानसा के पत्ते, ये दोनों एक एक चम्मच लेके सवा कप पानी में डाल के कहवा बना लें, एक कप सुबह एक कप शाम, दो तीन दिन इस्तेमाल करें, आपकी तकरीबन तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर अगले महीने तीन दिन, फिर अगले महीने तीन दिन, फिर ये आदत ही खत्म हो जाएगी आपकी। सही है सही है। अच्छा इसमें ये जो ब्लॉकेज होती है वो भी सही हो जाती है? ब्लॉकेज ये जितना रेशा जमा हुआ है ये सब निकाल देगी, सर दर्द भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मैं लिख भी लूंगी। अच्छा तिल का तेल हमने डाल दिया। हाँ ये है रतन जोत बूटी। सही है, रतन जोत बूटी आपने तकरीबन एक चम्मच के बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ ये एक चम्मच के बराबर, और इसमें ये दो टुकड़े जो हैं या एक ही बड़ा टुकड़ा हो, ये दालचीनी का डाल लें आप। और हाय दालचीनी बड़ी प्यारी चीज है। तकरीबन 8-10 दाने लौंग के डाल लें, सही है, आधा पाव के अंदर। एक घंटा इसे धूप में रख लें आप। अच्छा, आपका पेन किलर तैयार हो गया। आप सिर्फ टांगों पे मसाज करें, गर्दन पे करें, कमर पे करें, आपको दर्द में 5-10 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ा आसान घर पे बना लिया। अल्लाह बख्शे, ये मेरी वालदा का नुस्खा है, वो यूज करती थी। सही, तो सही, सही। वही चीज मेरे जहन में रही है। हाँ। और मैं यही चीज लोगों को बताता रहा हूं। अच्छा अब हमने ये तेल बना लिया दर्द कम करने के लिए, मुझे ये दो चीजें बता दीजिएगा कि एक तो मसाज दर्द वाली जगह पे कितनी देर करना चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट करना चाहिए? 5 मिनट मसाज छोड़ देना चाहिए? फिर छोड़ दीजिए, ऊपर कपड़ा लपेट दें या ऊपर कंबल डाल लें, कोई चीज डाल लें थोड़ी देर के लिए, ताकि हीट मिले इसे, हीट मिले। फिर उसके बाद आप इसे साफ कर लें, वॉश कर लें। सही है। तो आप देखिएगा आपको चलने में तकलीफ में काफी आराम होगा। ठीक है ठीक। आपने साइनस की बात की ना, ऐसी सूरत में एक होती है माइग्रेन पेन। हाँ, सर दर्द हो जाता है, सूरज से भी दर्द शुरू हो जाता है, रोशनी से भी छुपने लग जाते हैं, वॉमिट फील होती है, और कभी बाज लोग समझते हैं शायद बीपी का मसला है, हालांकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पता चलता है माइग्रेन यानी दिमाग का दर्द कहलाता है। इसके लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, जिसे खुद्दूस कहते हैं। ठीक है, बहुत लेवेंडर इज अमेजिंग, बहुत प्यारी। इसकी एक चम्मच सवा कप पानी में डालें। हाँ। जोश दे दे, कहवा बन गया। हाँ। रात सोते वक्त पिए आप रोजाना, या हाँ। जिस वक्त दर्द हो आप। हाँ। देखना जैसे माइग्रेन आपको हफ्ते में 2 बार होता है, तो हफ्ते में 1 बार होगा। हाँ। फिर 15 दिन में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, लेकिन उस शिद्दत का नहीं होगा। हाँ। कि आपको दवाएं लेनी पड़े, और आस्ते आस्ते ये क्योर हो जाएगा, जब ठीक हो गया आप इसे बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल, लेवेंडर और न्याज बो दोनों ऐसी अल्लाह ताला की क्रिएशन है कि जो कि रिलैक्सेशन देती है इंसान को, और ये मैं ज़ाती तौर पर भी यूज करती हूँ। जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होती है, अब मेरे अंदर का जो थेरेपिस्ट है, मेंटल थेरेपिस्ट, उसको मैं छुपा तो नहीं सकती, वो आएगा सामने। मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर डिप्रेशन और एंजाइटी है तो लेवेंडर ऑयल और जैस्मिन ऑयल जो है वो आप अपने तकिए पे स्प्रे करके रोजाना सोएं, इंशाल्लाह 30-40 डेज में आप लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन से आप लोग ओवरकम कर जाएंगे। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे और फिर शेफ समरीन से सीखेंगे मजेदार खाने की रेसिपीज। अस्सलामु अलैकुम जी, वापस आ गए हैं हम मुहर्रम अल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन T1 पे। मैं हूँ दुआ मलिक, और जिस तरह हम सभी के घरों में नजर नियाज का सिलसिला जारी रहता है इन प्यारे बाबरकत महीनों में, जैसे कि रमज़ान शरीफ हो गया, रजब हो गया, शाबान हो गया, मुहर्रम अल हराम जो है वो साल का सबसे पहला महीना है,
ये वो महीना है कि जब आगाज़ होता है हमारे साल का और हम याद करते हैं इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की शहादत से, वाकया करबला से। जनाब इन्हीं सब शख्सियात के लिए हम बनाते हैं नज़्र व नियाज़ और खानों में जो है हम अपना बेस्ट देते हैं कि हम बेस्ट अल्लाह ताला के बंदों को खिला सकें और अपना दस्तरखान सजा सकें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे। जनाब शेफ़ समरीन हमारे साथ मौजूद हैं और एक रेसिपी है जो कि हम सभी के घरों पे बनती है, जो कि है चने का पुलाव। बिल्कुल जी, है ना जी। वो आज ये बना रही हैं। प्याज हमारे गरम हो चुके हैं, मेरा ख्याल है पिंक हो गए हैं तकरीबन। कैसे बनाएंगी समरीन? अच्छा, मैंने इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और हमें कंप्लीट रेसिपी, हमारी कोशिश होती है कि हम दिखा दें, तो मैंने ये किया था कि इसमें तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल में दो बड़े प्याज उसको बहुत बारीक काट कर मैंने उसके अंदर जो है डाल दिए थे। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसको कलर देना होता है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डाल दिया था और इसमें कुछ भी नहीं किया अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा हम इसका वेट कर रहे हैं कि ये प्याज का कलर जो है थोड़ा पिंकिश शेड पर आ जाए, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं ना। पिंक तो ऑब्वियसली हो चुका है, बट अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन पर लेकर जाएंगे। और मैं आज थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी बताऊँ इसकी, चना पुलाव की। सबके अपना अपना पैटर्न होता है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा हम स्कोर करेंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, चना पुलाव जो है बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, दुआ आपके घर में भी ऑब्वियसली बनता ही होगा, तो कुछ लोग इसमें अचार भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने मसाला देखा। आप कीजिएगा। हाँ, धनिया मैंने देखा, मैं तो कोरिएंडर राइस देखे। हाय हाय, फ्रेश कोरिएंडर मेरे जेठ की बेटी बनाती है। अच्छा, उफ, जबरदस्त, ग्रेट, मुझे याद आ गए, वो मैं बनाऊंगी। अच्छा, हम इसमें ये करते हैं कि जब ये मसाला ऐड करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा अचार ऐड कर देते हैं, दो तीन टेबल स्पून, तो वो अचार ही सा पुलाव हो जाता है। वो बहुत मज़े का, उसमें एक अलग सा फ्लेवर आता है अगर आपको चाहिए। अच्छा, अभी हम बना रहे हैं बिरयानी स्टाइल का ना पुलाव बना रहे हैं। आप टमाटर डाल दें, बस अब डाल रहे हैं हम। अच्छा, ये देखिए प्याज का कलर ये हो जाना चाहिए, थोड़ा ब्राउन ब्राउन, लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद बिस्मिल्लाह। ये टमाटर डाल गए, जितने अच्छे आप क्वांटिटी में टमाटर डालेंगे उतना ही मसाला बनेगा, मसाला भी बनेगा, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा सा आएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एज यू नो टाइम कम है, तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। जबरदस्त। आप इसको ये कर सकते हैं कि स्लाइस फॉर्म में भी करके आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको मजीद जल्दी है तो आप इसको ग्राइंड करके इसकी प्योरी भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरी तरह मैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब साथ ग्राइंड करती हूँ, मसाला भी सब, अच्छा सब ग्राइंड करके जल्दी से चढ़ा देती हूँ। ओके, जल्दी बन जाता है। अच्छा, तो आपको पता है जब हम सब चीजें साथ ग्राइंड करके बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी। प्याज अलग है तो इसका अलग अलग, तो इसमें हम थोड़ा सा ये डालेंगे, मसाला हम डालते हैं थोड़ा सा, इसमें ये टेंडर हो जाए, जरा सा हमारे टमाटर जो है गल जाए। ऑलरेडी ये है तो बहुत बारीक कटा हुआ, तो ये फौरन से गल मैंने जाएगा। सुना है कि जब मिर्चें गलती हैं टमाटरों में तो वो जल्दी टेंडर होता है, है ना? ठीक है। नमक, 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 अच्छा। मिर्चें नहीं, नमक, नमक से होता है कि टेंडराइज होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नमक, जैसे हमने बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, चरगा कलेजी, उसमें नमक हम एंड में डालते हैं, क्योंकि कलेजी फिर एंड जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी से ये सॉफ्ट हो गए ना। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें तकरीबन हमारे पास है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डालने से बड़ी अच्छी सी एकदम से ना खुशबू आ जाती है। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हम इसको टाइम देंगे ताकि ये इसके अंदर इसकी खुशबू भी आ जाए, लहसुन अदरक भी भुन जाए। और ये दिखा सकते हैं हम कि देखें कितनी जल्दी से हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। ठीक है ना, ये गल गए हमारे टमाटर। अच्छा, अब दो इसमें हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने शॉर्टकट करना है और ऑब्वियसली इन दिनों में बहुत सारे, हाँ, और इन दिनों यू नो घर में भी बहुत सारे लोगों के पास मेहमान नवाजी बहुत होती है, मेहमान नवाजी, टाइम कम होता है, तो हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट लिया है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि खुला हुआ मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब घर का, लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और साबुत गर्म मसाला वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्टकट के लिए क्या किया है कि पहले देखें ये हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने लिया है घर का ही बना हुआ है बिरयानी मसाला। ठीक है जी, बिरयानी मसाला है ये, तकरीबन आपने डालना है 4 टेबल स्पून। इसमें क्या क्या है, नमक, हाँ, 1 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च। वैसे भूख लग रही है और बेहोशी हो रही है मुझे। नहीं तो दुआ आज तो टेस्ट कर सकते हैं। सुन हो गया मेरा दिमाग। ठीक है जी, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी थी इसमें, धनिया था, साबुत गर्म मसाला जिसमें लौंग, साबुत मिर्च और बड़ी इलायची, दालचीनी और कड़ी पत्ता मसाला हमने डाल दिया। बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम इस स्टेज पे इसमें ये उबले हुए काबली चने हैं। हाँ। अच्छा, मैं तो चने दुआ होपफुली आप भी ऐसी करती होंगी, मोस्टली लोग करते हैं,
उबाल के रख लेते फ्रीज कर लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा। हाँ नमक में और थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अगर आपका चने पुलाव बनाने का मूड है और ओवरनाइट चने नहीं भिगोए हैं आपने, आप चाह रहे हैं कि जी हम इसको फौरन से बना लें, सही, तो आप चनों को जल्दी से गलाने के लिए ये कर सकते हैं कि चने धोएं, हाँ, उसके ऊपर एक टेबल स्पून भर के सोडा लगा दें मीठा, सही है, और फिर उसको थोड़े से पानी में भिगो के छोड़ दें सिर्फ एक घंटा, सही है, उसके बाद वो पानी फेंकें और फिर तो प्रेशर कुकर में भी आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़े से फूलने होते हैं ना इस वजह से। अच्छा, हर नौ मुहर्रम को मेरी और मेरे हस्बैंड की जो है ना वो बहस होती है कि चिकन का पुलाव बनेगा या चने का। मैं कहती हूँ चने का पुलाव बनेगा। कहते हैं नहीं लोगों को चिकन पसंद है। मैं कहती हूँ नहीं, चने में जो बात है वो चिकन में नहीं है। पता है इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है, तकवियत और ताकत चने में बहुत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग डाइट भी जो करते हैं वो ये बना सकते हैं, दोनों मिला के भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम दोनों बहस करें हर साल, मगर हमें मजा आता है बहस। अच्छा, क्योंकि चने हमारे पास ऑलरेडी टेंडर थे तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने आलू नमक और जो कलर होता है फूड कलर डाल के बॉईल कर लिए थे, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है। ओए होए 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 ओए होए होए होए, शक्ल दिखाइए प्लीज इसकी। शक्ल और खुशबू तो आप बताएंगे ना दुआ कैसी आ रही है। खुशबू इतनी प्यारी कोई आ रही है और चने के पुलाव की वाकई खुशबू ही और है। बस देखिए ये हमारा और पता है एक और चीज में बड़ा मजा है। जी जी। मैं कहती हूँ पहली बात तो ये, अब ये जाती इंसान के अपने बिलीफ होते हैं, मुझे लगता है कि न्याज में बहुत तकवीत ताकत होती है। बिल्कुल ऐसा जब है। न्याज इंसान खाता है ना तो लगता है वो ठीक हो गया, बस सारे मामला ठीक है हैं। और न्याज मांगने का भी अलग मजा है ना कि मुझे दो मुझे घर लेके जानी है। बिल्कुल जी ऐसी तो है। वो कहीं जगहों पे तो हम लोग मतलब जाते ही वहाँ की न्याज मशहूर है, वहाँ की न्याज में ये होता है हर साल ये पकता है। तो देखिए अल्लाह ताला को सबसे प्यारा बंदा वो लगता है अपना जो खाना खिलाता है, जिसका दस्तरखान वसी होता है। अगर हम बनू हाशिम की भी बात करें तो बनू हाशिम आका पाक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मुबारक शजा मुबारक भी इसीलिए बहुत ज्यादा मशहूर था कि वो खाना तकसीम किया करता था, वो रोटी खिलाया करता था और इस बात के ऊपर खाना खिलाने के ऊपर इतनी अहदीस मुबारक हैं हमारी अहदीस की किताबों में। हम उलमा कराम के साथ बैठेंगे, जाने से पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये जो खाना खिलाने का सिलसिला है इन ख़ास आयाम में वो कितना ज़्यादा बाबरकत और प्यारा है। और मैंने ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि जब मैंने खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया अपने घर से तो अल्लाह ने मुझे बहुत वाफिर मकदार में रोजगार से नवाजना शुरू किया। बेशक बेशक। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा एक चीज, मैंने आप जब इतनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी मुझे इंटरप्शन करना सही नहीं लगा, तो दुआ मैंने इसमें ये किया था जब हम मसाला ऐड करते हैं तो हम थोड़े से 8 से 10 आलू बुखारे भी ऐड कर देते हैं, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा ये करने के बाद रमजान ट्रांसमिशन और मेरे जज्बात और रोजे के अंदर समीम की रेसिपीज। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने ले लिया है और आज तो दुआ आप ट्राई कर सकती है ना। आज तो मैं पानी पी रही थी तो मुझे लगा, मैंने कहा समीम मुझे लग रहा है मैंने रोजा तोड़ दिया। अच्छा जी, हमने धनिया और पुदीना, एक एक गड्डी धनिया पुदीना था ये हमने ले लिया और इसका मुझे चावल डाल देना। अभी नहीं डालेंगे चावल, अभी इसको हम 5 मिनट का दम देंगे। अच्छा। ताकि इसमें अच्छी से खुशबू इसकी इनकॉर्पोरेट हो जाए, फिर तो हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ ब्रेक से आके हम इसको करेंगे बस। चले ठीक है, जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे एक उदास दिल के साथ, क्योंकि बनने वाला है वापसी पे हमारा चने पुलाव। इंशाल्लाह साथ मिलके खाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वापस आ चुके हैं हम मुहर्रमुल हराम TV1 स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूं आपकी होस्ट दुआ मलिक, मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी आपा, डॉक्टर जवाद साहब और सलमान आलम। इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले शेफ़ समरीन जो थी वो हमें नजर न्याज के सिलसिले के लिए चने का प्यारा सा पुलाव बनाना सिखा रही थी, वो भी जानेंगे कहाँ तक पहुँचा। जनाब बात हो रही है इन ख़ास दिनों में वाकया करबला के हवाले से, पूछूंगी डॉक्टर जवाद से कि जितनी सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जितने सारे वाक़यात जिस तरीके से हमारे सामने बयां होते हैं, एक एक वाक़े के ऊपर हमारा दिल लरज जाता है और गर्विदा हो जाता है। मैं ख़ुद जब करबला के मैदान में गई, मैंने वहाँ एक एक जगह देखी, तो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली मैंने जो जगह देखी वो थी किल्लाए ज़ैनबिया
अगर मैं सही उसको डॉक्टर साहब प्रोनाउंस कर रही हूँ, तिला ए ज़ैनबिया। ये वो जगह थी, ये वो ज़मीन का टुकड़ा था जो कि अल्लाह ताला ने ऊपर कर दिया था एक बहन की तड़प देखकर। और वहाँ जाके मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उनकी रोज़ी के लिए, उनकी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि ज़रा तिला ए ज़ैनबिया के बारे में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ख़याम था और आपके आवान व अंसार का जो ख़याम था, उससे ज़रा फासले के ऊपर जो है ये तिले ज़ैनबिया वाक़े हैं। अच्छा, तिले ज़ैनबिया की वजह शोहरत क्या है? असल में वाक़े करबला जब हुआ और असर आशूर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जब पेश होती है, बाकी सारे आवान व अंसार शहीद हो चुके हैं, बनी हाशिम के सारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के सारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो आखिर में इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुद जो है मैदान जिहाद में निकले हैं। तो दुश्मनों की जानिब से, चूँकि वो जमा ही इसी लिए हुए थे कि नऊज़ु बिल्लाह नवासे रसूल को कत्ल कर दें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी निशानी को जो है वो मिटा दें, हुज़ूर अकरम तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सारे अशकिया जमा हुए और उन्होंने हर जानिब से नेज़े और तीरों की बारिश की। आखिर में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए, तो उस मौके पर आप जानते हैं कि आखिरी लम्हात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपने पूरी ज़िंदगी अपने पेश नज़र रखा, अल्लाह ताला की खातिर आप क़ुरबानी पेश फरमा रहे हैं, तो जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आप सरब सुजूद होते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा फरमाते हैं। अब उस लम्हे शिमर लईन जो हैं वो आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन के ऊपर सवार होकर आपके सर मुबारक को जुदा करना चाहते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये मंज़र खेमगाह से देख रही थी, आपसे ये मंज़र देखा नहीं गया। जैसे आपने देखा कि इमाम हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाएँ, तो आप दौड़कर उस उभरे हुए मकाम के ऊपर आप आ गई हैं कि जहाँ से वो गोदाल नज़र आता था कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरे थे। तो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उस मकाम के ऊपर खड़ी होकर अपने भाई की शहादत का मंज़र देख रहे हैं और आप बाकायदा फरियाद भी करते हैं कि पिसर साथ तुम देख रहे हो और नवासे रसूल यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। तो हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चूँकि उन आखिरी लम्हात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के आखिरी लम्हात में उसी टेले के ऊपर चढ़ी और आपने अपने भाई की शहादत का मंज़र देखा, तो ये टीला जो है फिर वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब हो गया, तिले ज़ैनबिया। आज भी अगर आप करबला जाएँ जिस तरह आपने इशारा किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा ज़रा नीचे है और तिले ज़ैनबिया ज़रा ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ से करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुकम्मल नज़र आता है। बेशक, भाई भाई की मोहब्बतें, माँ बाप की मोहब्बतें, बहन भाई की मोहब्बतें, सब मोहब्बतों को देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है वाकया करबला से। जनाब डॉक्टर सरवत अस्करी आपा फरमाइएगा, मैंने ये भी सुना उलमाए कराम की ज़ुबान से कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह को देखा गया वाकया करबला में। बीबी सकीना जब अकेली रह गई थी इमाम हुसैन की शहादत के बाद, वो वाकया ज़रा मुख्तसरन अर्ज़ कर दीजिएगा। मुख्तसरन की शर्त बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि जब 28 रजब को इमाम अली मकाम मदीने से चले थे तो अम्मा की कब्र पर पहुँचे और कहा कि अम्मा लहू में अपना चमन देखने चलो और ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। और जब इमाम अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए दूसरी मुहर्रम को, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तमाम रिवायात को मुख्तसर करते हुए शब आशूर का तस्करा ज़रूर करना चाहूँगी कि शब आशूर जो कि एक रात की मौलत इबादत के तौर पर मांगी गई थी, तस्बीह और तहरीर होती रही, इबादत परवरदिगार होती रही और उसके बाद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम मक्तल की जानिब निकले हैं, कुछ कदम चले हैं कि महसूस ये हुआ कि जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो पीछे मुड़कर देखा तो अपने गुलाम को देखा, उसने कहा कि मौला मुझसे देखा नहीं गया कि रात का अंधेरा है, दुश्मनों का घेरा है और आप तन्हा जा रहे हैं, मैं बग़ैर इजाज़त आपके पीछे चल पड़ा। और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बढ़ाया और उस गुलाम के हाथ में दे दिया, यानी ये हाथ वो था कि जिसको थामने के लिए यजीद ने अपने सारे ख़जानों को खाली किया, क़यामत तक के लिए बदनामी मोल ली, लानत का तौक अपने गले में डाला, मगर उस हाथ को नहीं हासिल कर सका।
जो इमाम ने गुलाम के हाथ में दिया, और इमाम तमाम तर मकामात मंजिलें दिखाते चले गए कि देखो यहाँ पर ज़ुहैर इब्न क़ैन की शहादत होगी, यहाँ पर तुम घोड़े से गिरोगे, यहाँ पर अब्बास के बाजू कटेंगे, यहाँ पर हज़रत अली अकबर के कलेजे से। इमाम बताते जा रहे हैं कि ये बताते बताते मौला एक नशेब में बैठ गए, और जब नशेब में बैठ गए तो इमाम ने अपने शहादत के वाक़यात सुनाने शुरू किए कि इस तरीके से शिव ने मेरे गले पर खंजर चलाया गया। इमाम ने एक मरतबा देखा कि गुलाम कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। मौला ने फरमाया कि क्या बात है तुम मुतवज्जो नहीं हो। गुलाम ने कहा कि मैं बड़ी माजरत खाऊँ इसलिए कि मुझसे बेअदबी हो गई कि इमाम आप मुखातिब हैं लेकिन मैं आपके कलाम पर तवज्जो नहीं दे सका, मुझे इस अंधेरे में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। और मौला ने फरमाया कि ज़रा हद अदब, इसलिए कि वो मैं हमारी माँ फातिमा जहरा है, हम करबला में वारिद हुए, हमारी माँ आई हैं और इस नशेब में रोज़ाना आकर अपने बालों से इस मट्टी को साफ करती हैं ताकि जहाँ पर मुझे कत्ल किया जाएगा। दिल डूब जाता है एक एक बात को सुन के, एक एक मुसीबत को सुन के, एक एक दर्द व गम को सुन के अहले बैत के। खुदा वाकई कोई गम ना दे सिवाए इलाही गमे हुसैन के। इलाही शेफ समरीन हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हमारा चने का पिलाव बन रहा था जिसकी मेरा ख्याल है कि दम लग चुका होगा। दम लगाना लग है। दम कैसे लगाएंगे आप कह रही थी कि तय है मेरा ख्याल है आप लगाने। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इसीलिए बस वेट कर रही थी दुआ। जी जी, मैंने कहा आप जो है ये देखें बस ये इस तरह से जब ये हो जाए थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट 5 से 10 मिनट आप इसको छोड़ दें दम वाली आँच पर। जब आपको प्यारी सी खुशबू आने लग जाए फिर आपने क्या करना है कि एक और बड़ी कढ़ाई वॉक कोई पतीली देगचा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ले सकते हैं, और उसमें आपने ये जो बनाया है इसका बैटर पूरा सालन ये आप इसमें डालना शुरू कर देंगे। चावल डालेंगे। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट उसमें ब्रेक में क्या बना रही हैं? बस इस यही आज हमारी एक रेसिपी है। जी जी जी, एक ही रेसिपी है हमारी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल आप हमें कुछ और एक नीचे। बिल्कुल बिल्कुल जी, कल दूसरी रेसिपी है बिल्कुल बताएंगे आपको। अच्छा देखें ये बनाने के बाद अब देखें दुआ अलग से आलू जो है करने का फायदा ये होता है कि देखें इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, वैसे ही है येलो राइट। ये तो करने के बाद भी नज़र को भी अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, देखने में भी वही वाली बात जो मैं कहती हूँ कि हम हमारे खाने से पहले हमारी आंखें खाती हैं। बिल्कुल आंखें खाती हैं। और एक बात मुझे याद आई, नज़र न्याज के सिलसिले का जिक्र हो रहा है आपा, कल हम बैठे थे तो जिक्र हो रहा था, मैं बता रही थी अपने ससुराल वालों को कि मेरी जो दादी थी वो जो न्याज बच जाती थी ना वो घर के बाहर क्यारियों में दफना देती थी, और जो शख्स न्याज बनाता था वो बावजू होता था, जो मोहल्ले में बांटने वाला होता था वो बावजू होता था। और सख्ती से अगर कोई बग़ैर वजू के न्याज के कमरे में भी दाखिल हो जाए या किचन में भी दाखिल हो जाए तो उसके फिर हशर नशर वो हमारी दादी करती थी। बावजू रहने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, लेकिन जो हम नजर न्याज की बात करते हैं बिलखसूस मुहर्रम हराम की इमाम अली मकाम से मंसूब ये नजर न्याज, तो इसका मर्तबा और इसका मकाम ही बहुत अजीम है। इसलिए कि जब हम वो अफराद जो कि करबला में भूखे और प्यासे शहीद हो गए, आज सदियों से उनके नाम पर पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है, उनके नाम पर खाना खिलाया जा रहा है, हर घर में नजर न्याज है, हर घर में सबीलों का एहतमाम और इंतज़ाम है, तो यकीनन ये एक खैर कसीर है, ये अजर कसीर है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। जितने लोग मुस्तफीज होंगे वो इंशाअल्लाह ताला करबला वालों के जिक्र से ज़रूर मुस्तफीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने, सही फरमाया सरवत आपा। चने का पुलाव जो हमारा बन रहा था मेरे ख्याल है कि उसकी दम लग चुकी है वो। नहीं, अभी हम ये बता रहे थे हम इस पे राइस डालें, राइस डालने के बाद थोड़ा सा ना हम इसमें ऑयल ऊपर से डालेंगे क्योंकि चावल जो होते हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं ना, ये डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप आधा कप लेंगे, अगर एसेंस है तो 1 टीस्पून आधा कप पानी में डाल देंगे। ठीक है, उसमें हमने डाला जर्दे का रंग, फिर हम उसमें एक चुटकी जावित्री जायफल ऐड कर रहे हैं, और ये है तकरीबन आधा टीस्पून इलायची पाउडर, ये हमने डाला। और ये डालने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ डालना है राइट, और फिर हमारा ये जितना बचा हुआ मिक्सचर था जी, सॉरी केवड़ा ज़्यादा हो जाए तो केवड़ा, और इवन अगर आपका वो जावित्री जायफल भी ज़्यादा हो जाए तो भी आपका कड़वा हो जाता है। ठीक है जी, ये करने के बाद और फिर आपने लास्ट लेयर देनी है चावलों की इसके ऊपर पूरी। ठीक है, अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा हम
हैं। बहुत अच्छा किया सर अतापा आपने पूछा, मैंने सोचा था जब आप लोग बात कर रहे थे तो बताऊंगी। चावल जब मैंने उबाले थे तो मैंने इसमें ये किया था, ये चावल है तकरीबन 1 किलो चावल हैं। कब से नापे जाते हैं वैसे चावल? इसको उबालने का तरीका ये है कि जितने आपने चावल लिए हैं ना, जैसे अगर 8 कप चावल हैं तो 1 कप का जो हिसाब होता है नमक का, वो 1.5 चम्मच नमक होता है, और पानी इतना कि चावल उसमें डूब जाएँ। उसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पुदीना डाला, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला। इसको बॉईल किया मैंने खाली पानी को, फिर जब बॉईल आ गया तब चावल डालें, और एक कनी जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा कच्चा रखते हैं, हाँ। वो रखकर और बस ये फाइनल हमारा हो गया। अब हम इसको दम पे रख रहे हैं, और जब हम आएंगे ब्रेक से तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। ठीक है जी, डन हो गया। थैंक यू सो मच शेफ समरीन, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमारा दम कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और अपने आज की नशरियात के अख्तिताम की तरफ जाएंगे। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हैं हम मुहर्रमुल हराम की ख़ास नशरियात में, जो कि हैं मुहर्रम और रवादारी, सबर और रवादारी। दुआ मलिक मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं उलमाए कराम, और हम बात कर रहे हैं एक शहदा के हवाले से, उनके मसाइब के हवाले से, क्योंकि हमने ये चीज़ें हर साल इन तारीखों में सीखनी है, दोहरानी है, और आगे अपने बच्चों को समझानी बतानी है कि हमारी नस्लें करबला के वाक़े से, करबला के सानहे से सवर जाएं, हमें वो सीख मिले सब्र की, तहम्मुल की, कुर्बानी की। मैं कहती हूँ कि जो कुर्बानी हमारे मौला हुसैन ने करबला में दी अपने अहल औलाद के साथ, अपने कुंबे के साथ, वो मैं कहती हूँ कि वैसी कोई मिसाल क़यामत तक कोई हमारे सामने नहीं आ सकती, कि नाना के दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो सामने पेश कर दिया और उनकी जान के नजराने पेश किए। सलमान आलम भी हमारे साथ हैं, जाने से पहले उनसे एक कलाम भी हम मौला हुसैन के लिए ज़रूर सुनेंगे। जब बात हो करबला की तो मेरी प्यारी बीबी सकीना को कौन भूल सकता है, उनको कौन भूल सकता है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बीबी सकीना के हवाले से हमें कुछ इरशाद फरमा दीजिएगा, हम सबको बताइएगा कि उनकी उम्र क्या थी और उनके साथ क्या क्या मसाइब पेश आए मौला की शहादत के बाद। देखिए करबला के अंदर बहुत सारे मजलूमीन हैं, लेकिन ब्रेक से पहले भी एक मजलूम का हमने तذکرہ किया, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम। शहदाए करबला में जब आप हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का तذکرہ सुनते हैं तो फिर इंसान के ऊपर रिक्कत तारी हो जाती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी दीन और मज़हब से हो, चाहे मुसलमान न भी हो, सिर्फ इंसान होना काफ़ी है। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के मसाइब से उनके ऊपर रिक्कत तारी हो जाती है। शुहदा के अलावा बाकी जो उसरा हैं, उसराए अहले बैत हैं, उनमें हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो असीर हैं कि जब उनका तस्करा सुनते हैं, उनके मसाइब को जब सुनते हैं, तो भी कोई भी इंसान इनके तस्करे को सुनने के बाद रिक्कत से उनका दिल खाली नहीं रह सकता। देखें वाकई करबला इंतहाई तल्ख एक वाक़ा है, जो यजीदी अफवाज हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ शहीद करने के ऊपर इक्तफा नहीं कर रहे, उनका गम व गुस्सा जो है वो इमाम को कत्ल करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद ठंडा नहीं हो रहा, बल्कि इमाम को शहीद करने के बाद बाकी जो उनके मुखदरात इस्मत व तहारत हैं उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनको क़ैद करके वो कूफे की जानिब ले जाते हैं, फिर वहाँ से शाम की जानिब ले जाते हैं। करबला के मैदान में जहाँ पर शहदाए करबला ने 3 दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तो वो 3 दिन भूख और प्यास हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने भी बर्दाश्त की, यानी वहाँ पर मौजूद सारी जो ख़वातीन हैं ठीक है उन्होंने भी 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त की है। और बाकी चलो जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह ताला के हुजूर पहुंच गए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंच गए, और वहाँ पर ज़ाहिर है हौज़े कोसर से यकीनन सैराब हुए होंगे। लेकिन हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और बाकी जो उसरा, ये वो मज़लूमीन हैं कि जिनको वाकई करबला आशूरा के बाद भी जिनकी प्यास ख़त्म नहीं हुई, जिनका भूख ख़त्म नहीं हुआ, जिनके ऊपर जुल्म व सितम का सिलसिला रुका नहीं बल्कि ये और जारी रहा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम जाफर, हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से यही फरमाना था ना कि
मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद क्या है, आप जो इमामत के मनसब के ऊपर फ़ायज़ हो जाएंगे, आप इस काफ़िले को आगे लेकर जाएंगे। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से भी फरमाया था कि मेरे ऊपर जो मजालिम है वो तो 10 मुहर्रमुल हराम को शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन आप जो है उसके बाद भी मजालिम को बर्दाश्त करते रहेंगे, उस वक्त आपके अंदर जो एक हौसला होना। तो 10 मुहर्रमुल हराम के बाद पेश आने वाले जो मजालिम हैं वो भी इंतहाई तल्ख हैं। आमतौर पर हम 10 मुहर्रमुल हराम तक के मसाइब का तस्करा करते हैं, लेकिन उसके बाद के मसाइब को कम याद करते हैं। तो हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा असीर होकर मैदान करबला से कूफे के जानिब जाती हैं, और कूफे के अंदर जो है जब उनको पूरे बाजारों के अंदर फिराया जाता है तो वो सारे मजालिम जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तहमुल फरमा रही हैं, हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी, और शाम की जानिब आपको ले जाया जाता है, और शाम के जिंदान के अंदर जब जिंदान शाम का तस्करा आता है तो वहाँ पर हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का भी उनकी मज़लूमियत का तस्करा आता है। हज़रत सकीना की मज़लूमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ज़ालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद दफनाने की इजाज़त नहीं दी, आपके सर मुकद्दस को जो है नोके नेज़ा के ऊपर बुलंद करके कूफा और कूफे से शाम ले गए। यानी एक छोटी सी बच्ची जो 4 साल की बच्ची है अपने बाबा के सर मुकद्दस को पूरे रास्ते में देख रही हैं, और उसको देख और उनके दिल के अंदर यही ख्याल आता होगा कि ये कैसे मुसलमान हैं कि जो नवासे रसूल को दफन भी नहीं कर रहे, कत्ल कर दिया, अब वो दफन करने की इजाज़त नहीं दे रहे, शहर शहर घुमा रहे हैं, और यहाँ से घुमा कर फिर वो क्या है शाम की जानिब ले जाते हैं, और यजीद जो है वो उनके साथ गुस्ताखी वो करने लग जाता है। और फिर यही मसाइब थे, यही आपके ऊपर पेश आने वाले वो सितम थे कि जिसकी वजह से हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जिंदान शाम के अंदर ही जाम शहादत नोश फरमाती हैं। यानी बाकी जो उसरा हैं उनको आज़ादी मिली, एक मुद्दत के बाद उनको आज़ादी मिली और वो सब वापस मदीने मुनवरा आ गए, यानी अपने वतन पहुंच गए, लेकिन हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो मज़लूमा हैं कि जिनको ता हयात आज़ादी नहीं मिली, और आखिर में आप उसी जिंदान के अंदर जाम शहादत नोश फरमाती हैं। सद के जाऊँ बस बार बार वही बात कहूँगी कि जब भी एक एक मज़लूम के ऊपर बीते जुल्म के की कहानी हम सुनते हैं तो दिल ऐसे लरस जाता है कि रूह कहीं और होती है, इंसान का दिमाग कहीं और होता है, जिस्म कहीं और होता है, फिर अपने आप को वापस जोड़ के हम इसी दुनिया में लाते हैं और फिर से अपने दुनिया के ज़िंदगी के मामलात शुरू कर देते हैं। सलमान, मैं चाहूँगी कि मौला हुसैन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर दीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुस्न व शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर सुनो शबाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल इतने गुलाब रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले
अब रेत पर एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो पे अदब नहीं प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बे अदब नहीं लम्से लबे हुसैन को तरसा गया अब रेत पर इश्क में क्या बचाइए इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए इश्क में क्या जब कलाम पाक पढ़ते हैं तो साफ पता चल जाता है सलमान के आप दिल की गहराइयों से महसूस करते हुए पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी मैंने खुद भी आपकी आंखों में आंसू देखे हैं कभी जिस्म को लरस्ता देखा है अगर यही दिल से करें तो कौन सा जिक्र करें सही बात हमारा तो काम ही है ना सही बात मैं तो पैदा इसी चीज के लिए हूँ नात खानी और मनकबत पढ़ने के लिए इसी में गुजर जाए तो और क्या बात है बोलिए बड़े शरफ की बात है कि रब्बुल आलमीन ज़बान को पसंद फरमाए पसंद फरमाता है अपना और अहले बैत के ज़िक्र के लिए जज़ाक अल्लाह खैर अल्लाह आपको इसका अज़र अज़ीम अता फरमाए शेफ़ समरीन हमारा चने का पुलाव अब बन चुका है बहुत खूबसूरती से आपने प्रेजेंट किया है बहुत शुक्रिया कल फिर आपने आना है कल की रेसिपी के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप सबका उलमा कराम का बहुत शुक्रिया कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों के साए हमारे सरों पर सलामत रखे कि हम और हमारे बच्चे ज़िक्र अहले बैत सीखें समझें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें आप सब ने कल 10 मुहर्रमुल हराम को अपने घर के बच्चों को अपने घर वालों को जमा करना है साथ रहना है ज़िक्र अहले बैत सुनने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कल फिर एक अहम नशरियात आप सब के लिए हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पेश करना है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब तक के लिए दुआ मलिक को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ में एक लाश पे एक माह है नौहा गर एक माह है नौहा गर कितना Say.